हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्काइन की बात कर रहे थे, तो हम लोग अल्काइन का आज नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर अल्काइन के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा, इसके पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, तो आज का सेशन भी बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा जाने वाला है बेटे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे JDG सेक्शन की, कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में मस्त और ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को चुन चुन के, है ना, मस्त तरीके से बेटे डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने है, देखिए ये दैट इज OMDM, है ना, ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डी मर्कुरेशन ऑफ अल्काइन, है ना, जिसको लोग कुछ लोग रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड विल डिस्कस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन एंड देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO ऑफ अल्काइन एंड देन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और HBO ऑफ अल्काइन एंड देन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्काइन। ओके, एंड देन विल डिस्कस एडिशन ऑफ HOX, राइट, एंड देन एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड देन एडिशन ऑफ कार्बीन। तो बेटा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो अब जैसे कि हम लोग हमने OMDM की बेटे बात की थी, याद करो, अल्किन में, तो हमने अल्किन के लिए बात किया था। फिर हमने HBO और HBr की बात किया था अल्किन की सेशन में, तो है ना। अब हम लोग यही सारी चीज़ें अल्काइन में देखेंगे और किस तरह से अल्काइन में क्या होगा वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर HOX का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बिन का, एसिटिक एसिड का, ये सारी चीज़ें वन बाय वन बहुत डिटेल में बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठो बेटा और मस्त एकदम कूल माइंड से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर को इन्जॉय करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं सबसे पहले बेटा OMDM ऑफ अल्काइन, कुछ रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे। एक्चुअली में होता क्या बेटा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अल्किन्स होते हैं, अल्किन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो अल्किन ज़्यादा देगा विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइन, और न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, उसमें अल्काइन ज़्यादा देगा विथ रेस्पेक्ट टू अल्किन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और ये प्रीवियस क्लास में मैंने इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो जस्ट मैं एक पॉइंट नोट ले लिया सो दैट कि आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन हो जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसको। सो अल्किन की बात करें, सो अल्किन गिव्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइन, राइट, एंड लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देन अल्काइन। तो देखो अल्किन जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा और लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा देन अल्काइन, बात समझ रहे हो। और अल्काइन की बात करें, सो अल्काइन गिव्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देन अल्किन, बताई चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसका प्रॉपर रीजन भी बताया था मैंने आपको, इसका इंटरमीडिएट बना के दिखाया था कैसे क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस की थी। तो आगे देखते हैं बेटे, और हम लोग बात करते हैं यहां पर किसकी, देखिए यहां पर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल। अब यहां पर हैवी मेटल क्या है, यहां पर हैवी मेटल क्या है, बेसिकली दिस इज ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन ऑफ अल्काइन, ठीक। अब जैसे कि बेटा हम लोगों ने जब अल्किन की बात की तो याद करो, जब हमने अल्किन में OMDM कराया था तो हम लोगों ने वहां पर जो रिएजेंट लिए थे क्या था, मर्क्यूरिक एसिटेट था आपका, HOS था और NaBH4OH- था, और यहां पर हमने प्रोडक्ट आपका बनाया था, कुछ प्रोडक्ट आपका यहां पर बना था, राइट, ओके, चलिए ठीक है। अब बात यह आती कि जब सर हम अल्काइन का, समझिए अब आपके माइंड में आएगा सर जब हम अल्काइन को OMDM कराएंगे तो क्या हम सेम ये रिएजेंट यहां पर यूज कर सकते हैं क्या, एग्जैक्टली सेम रिएजेंट क्या हम यहां पर यूज कर सकते हैं क्या? अगर हम ये रिएजेंट यहां पर यूज करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि मैं यहां पर, अब जैसे मैंने यहां पर HgOAC2 लिया था, अब मैं यहां पर HgSO4 दिखा रहा हूं आपको, तो सर HgSO4 आपने क्यों लिया? क्या हम ये लेके भी सेम अल्काइन का रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? और अगर आपने सर HgSO4 लिया तो HgSO4 क्यों लिया है, और आपने सर मर्क्यूरिक एसिटेट यहां पर क्यों नहीं लिया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस होने वाला है, या फिर सर क्या हम यहां पर NaBH4OH- लेंगे, या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को विथ NaOH कराएं, NaBH4OH- कराएं, या इस रिएक्शन को हम विदाउट NaBH4OH- कराएं तो क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे, क्योंकि हमने तो अल्किन का किया हुआ है, अल्किन का बेटा ये रिएजेंट आपके सामने थे, तो उन सारों सारी चीजों का जवाब बेटा एक एक करके चुन चुन के मैं दूंगा। जैसे कि देखो वाई बेटा एक HgSO4H2SO4, हम अब देखो और भी चीज सामने आई कि सर हम इसका जब हाइड्रेशन करा रहे हैं या OMDM करा रहे हैं, हाइड्रेशन का बेसिकली मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, तो जब हम इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं तो बेटा हम यहां पर HgSO4H2SO4 क्यों ले रहे हैं, वाई वी टेक HgSO4H2SO4, वाई नॉट सिंपल H2SO4 वाटर, हम केवल H2SO4 वाटर से भी तो हाइड्रेशन करा सकते हैं, सर हम केवल H2SO4 और वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं, हम सर यहां पर HgSO4 और H2SO4 क्यों ले रहे हैं, वी कैन ऑल्सो यूज H2SO4 वाटर,
वाई नॉट यूजिंग H2SO4H2 ओनली? हम यहाँ पर H2SO4H2 केवल ये यूज क्यों नहीं कर रहे? हियर अल्कीन डज नॉट, अरे अब बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो अल्काइन है यहाँ पर क्या H2SO4H2 से रिएक्ट नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, राइट? और हम ये वाला रिएजेंट यहाँ पर क्यों यूज नहीं कर रहे? अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, या सेम प्रोडक्ट बनेगा, या क्या यील्ड पे फर्क पड़ेगा, या क्या स्पॉन्टेनिटी पे फर्क पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चन बेटे आपके दिमाग घट 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 कर करके घुस जाने चाहिए, तभी तो मजे है ना, तभी तो मजे। तो देखिए पहले कुछ चीज़ें हम आपको एक एक करके चुन चुन के सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। जब हमने यहाँ पर बेटे अल्कीन लिया था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, दो में। और अगर हम अल्काइन की बात करें, लाइक आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अल्काइन की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है बेटे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब मोर बॉन्डिंग है बेटे। और जब बॉन्डिंग ज्यादा होता है बेटे तो क्या होता है, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका बॉन्ड लेंथ, भाई आपको पता है ना, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें बेटे तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल होता है, फिर उससे कम ट्रिपल, और फिर सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रीजन वो छोटा हो गया, मतलब इसके जो ओवरलैपिंग है काफी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई हुई है। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करें ओवरलैपिंग में काफी तगड़े से कर गए हैं, मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर इसका कम है तो अगर इसका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटे। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए क्या होगा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो इसका होगा बेटे वो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, डबल और उसके बाद छोटा। सिंगल अकेले तो इसको तोड़ने में ज़्यादा कम एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, काफ़ी खड़ाक से एक दूसरे में एकदम फिक्स हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो टाइटली बॉन्डेड है, उतना फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड है बेटे और इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड से कम है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं है। यहाँ पर सब लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, लूजली बॉन्डेड है तो फिर ये आसानी से पाई बॉन्ड टूट सकता है, रिएक्शन आगे बढ़ सकता है। बट इसके पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, चूंकि टाइटली बॉन्डेड है, कॉम्पैक्ट हो गया बॉन्ड लेंथ, छोटा हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, बढ़ गया, तो बेटे ये ऐसे नहीं टूटेगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से रीजन डाले हैं सो दैट किसके पाई इलेक्ट्रॉन को लूज करे और उसके बाद पाई बॉन्ड टूटे और रिएक्शन आगे बढ़े, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, उसके लिए पाई बॉन्ड तोड़ना होगा। मुझे लगता है बात ये समझ में आपको आई। तो चलिए देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, वहां पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन है अल्काइन में, और वो कैसा है, टाइटली बॉन्डेड है। सो पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्काइन इज इन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज टाइटली बॉन्डेड, एसपी हाइब्रिडाइजेशन बेटे। यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी, जबकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और परसेंटेज करेक्टर मतलब ज्यादा होने का मतलब मोर क्लोज न्यूक्लियस और स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। ओके, तो जरा फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। सो पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्काइन इज ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है ना, कैसा है, टाइटली बॉन्डेड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो यूजिंग हैवी मेटल, अगर हम कोई हैवी मेटल यूज करें, देखिए हमने Hg2+ हैवी मेटल है आपका, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और चूंकि यहाँ पे हैवी मेटल है और +2 चार्ज भी है, और मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हैं, ये हैवी मेटल है बेटे, ये क्या करेगा, +2 चार्ज है, काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंस, प्लस चार्ज का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा इस तरह से, और खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे जो टूट सकता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमें मिल सकता है। सब चीज़ एक करके समझाएंगे, समझिए। सो यूजिंग हैवी मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्काइन बिकम्स लूज एंड अल्काइन बिकम्स रिएक्टिव, भाई जब लूजली उसने लूज कर दिया, खींच लिया तो रिएक्टिव हो गया। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्काइन इज वेरी लेस देन अल्कीन, सो नीड ऑफ हैवी मेटल, मतलब अल्काइन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे, जो आगे यूज हो सकता है, काम में आ सकता है, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन, इसलिए इसको लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम कुछ तरह का हैवी मेटल अच्छे चार्ज वाला यूज करते हैं, सो दैट कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच ले, खींचेगा तो ये इसमें यहाँ पर क्या होगा बेटे, लूज होगा, और लूज होगा तो टूटेगा, टूटेगा तो एडिशन चांसेस बढ़ेंगे। सो दैट्स वाई वी नीड हैवी मेटल। अब बोलोगे सर कि जब आप यहाँ पर ये बात करो तो एक बात और बता ही दो आप, चलो बात, तो जैसे यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से आपको Hg2+ मिल रहा है, बट यहाँ से अगर आप तोड़ोगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा, आपको मिलेगा बेटा क्या, HgOAC, और यहाँ पे +1 चार्ज मिलेगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो हमने कहा कि भाई ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, और यहाँ पर आपका एक तो Hg2+ है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और फिर से हमने दूसरा लिया, हमने कहा कि हमारे पास एक Hg+OAC है, मैकेनिज्म आप याद करो, अलग ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बेटा बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, अब जरा बताओ HgSO4 लेने का रीजन क्या है, इन प्लेस ऑफ HgOAC होल्ड टू इस मर्क्यूरिक एसिटेट की प्रेजेंस में, के अलावा हम ये क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ +2 यहाँ +1 है बेटे।
अब बताओ बेटे, प्लस टू चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तेजी से, और बेटा उस ये उतना नहीं खींच पाएगा। सो यहाँ पर मोर लूज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, मोर लूज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और यहाँ पर लेस लूज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेस लूज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बेटा बताओ, अगर मोर लूज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बताओ यहाँ पर इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, मोर रिएक्टिविटी हो जाएगा, आसानी से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी मोर हो जाएगा, और यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा, लेस रिएक्टिविटी। अब कहने का मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में भी होगा HGOS, जैसे हमने एल्कीन के जो रिएजेंट लिए थे, अगर हम एल्काइन में ले तो रिएक्शन होगा, बट लेस रिएक्टिविटी होगा तो यील्ड कम होगा, प्रोडक्ट कम बन पाएगा। बट यहाँ पर अगर हम हैवी मेटल ले लें जिसकी हम बात कर रहे थे, तो बेटा ये आसानी से इसके बॉन्ड इसको वीक कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन प्लाई क्लाउड आपका फ्री होने लगेगा, आसानी से टूटेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये रीजन समझ में आया कि हम ये ले तो सकते हैं, पर इसकी जगह हम ये ले लें तो यहाँ प्लस टू है, और यहाँ पर HGOS में देखो प्लस वन चार्ज है। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज दिस वन, हम इसका भी दिखा देंगे आपको क्या होगा, और इसके बारे में फिर इसकी बात भी करेंगे, राइट। अब आपका इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, हियर अल्काइन डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4 वाटर। अब बेटा H2SO4 वाटर में कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे एक चीज बताओ। जैसे कि हम फिर से वापस चलें, अब हमने कहा कि चलो भाई हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब यहाँ पर H2SO4 वाटर ले लें। H2SO4 का मतलब क्या बेटे, कि आपका H+ है। अब बताओ बेटा, ये H+ एक तो इतना छोटा है और उसमें प्लस वन चार्ज है, राइट, तो ये उस तरह से इसको लूजली बॉन्ड नहीं कर पाएगा जिस तरह से HGOSE कर सकता है या HG2+ कर सकता है बेटे। तो यहाँ पर इसलिए ये केवल ओनली अगर हम H2SO4 वाटर यूज करें इनके प्रेजेंस ऑफ अल्काइन, तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप प्रॉपर रीजन आप समझ गए होंगे बेटे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है, इन अल्काइन दिस इज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर टाइटली बॉन्डेड, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, टाइटली बॉन्डेड है, टू मेक रिएक्टिव दिस अल्काइन और टू मेक इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूज, we use metals so that it attracts electron cloud and electron cloud shifted towards metal becomes loosely bonded electron and then reaction of alkyne due to triple bond proceeds। मुझे लगता है अब कहानी आपको पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। तो एक तो हम HGSO4 यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ HGOSE होल ट्वाइस, रीजन बताया। अच्छा, HGOSE होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट भी अगर हम यूज करें तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसको भी समझ लेते हैं, और क्या फर्क पड़ेगा, और जब हम HGSO4 यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसको भी समझते हैं। बेटा समझ रहे हो ना क्या क्या इंटरेस्टिंग और कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके सामने आ रही हैं, गर्दा से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड, अब हमने सपोज HGOSE होल्ड ट्वाइस HOH और NaBH4OH- लिया, प्रोडक्ट देखो वही बन गया। अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनेगा अभी सब बताएंगे, अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं बताया, अभी बहुत सारी चीजें एकदम चल रही हैं, मजेदार चीजें लिंक हो रही एक दूसरे से चीजें, प्रोडक्ट वही बनेगा अगर हम यहाँ पर HGSO4 ले लें तब भी ये बनेगा। तो कुछ बुक्स में क्या है, देखो इन सम बुक्स सम रिएजेंट्स है ना, सेम रिएजेंट इज टेकन लाइक इन एल्कीन, जो एल्कीन में रिएजेंट लिया था देखो वही एल्काइन में ले लिया, नो प्रॉब्लम, बट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस बिकॉज हियर HGOSE प्लस वन इज प्रेजेंट, प्लस वन चार्ज होगा इसमें, अभी बताया मैंने आपको, तो प्लस वन इसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बट इफ यू टेक HGSO4 वाटर, हियर HG2+ है, सो मोर पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, HG2+ को ज्यादा खींच पाएगा, ज्यादा लूज कर पाएगा, बात समझ रहे होगे, ऑफ अल्काइन ड्यू टू +2 चार्ज ऑफ मर्करी एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्काइन विल इजली लूज, तो रीजन समझ में आ रहा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा बट यील्ड कम होगा, बट अगर आप HGSO4 लोगे तो वहाँ पर यील्ड आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए ठीक है बेटे, तो अब देखो एक चीज़ और समझो बेटे यहाँ पर, कि जब आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हो, आप वो रिएजेंट ले रहे हो जो हमने एल्कीन में यूज किए, देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट है HOH है NaBH4OH-, तो चलो अब देख लेते हैं कि किस तरह से, नो डाउट इसमें यील्ड कम होगा, यहाँ से जब ये HGOSE आपका डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वन चार्ज आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो टाइटली बॉन्डेड है उसको उतना लूज नहीं कर पाएगा, बट स्टिल प्रोडक्ट बनेगा विल बी वेरी लेस। फिर भी अगर प्रोडक्ट हमें बनाना है यूजिंग दिस मैकेनिज्म तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा उस बात को समझ लेते हैं। चलिए हर चीज़ बेटा बहुत तगड़े समझाऊंगा, बट बढ़िया से आप देखते चले जाओ, ये आपके सामने एल्काइन है और आपको देखो HGOSE होल ट्वाइस आपके सामने, ये पहले इसका रिएक्शन करा लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, जो HGOSE है, HGOSE इधर भी है, OSE इधर भी है, देखो HGOSE, अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपल करेगा, क्यों, बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या आप ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे बेटे तो क्या होगा, मान लो इधर दूर जा रहे हैं तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको और रिपल करेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और दूर जाएंगे और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आप ऐसे दिखा सकते हो लाइक दिस, देखो कि बॉन्ड ये टूट जाएगा ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअल माइनस और यहाँ पर एक्चुअल प्लस आ जाएगा, बात समझो बेटे, ये टूट गया, टूट गया तो देखो यहाँ से क्या निकल गया, OAC- बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, HG+ OAC, ये आया। देखिए अब जैसे HG+ OAC बनता है बेटे,
ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जो एच जी प्लस ओ ए सी है, एच जी प्लस ओ ए सी, तो अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके पास बेटा वैकेंट, इसके पास फ्री डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और यहाँ पर प्लस चार्ज भी है। प्लस चार्ज का मतलब इसके पास खाली डब्बा है, प्लस चार्ज है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि एक प्लस चार्ज और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, एक प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगा जैसे ही अलग होगा टूट के। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओके ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये कुछ इस तरह से बेटे, यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ प्लस, इस तरह से पोलराइज होगा, पोलराइज हो गई, पोलराइजेशन इसमें होगा, राइट, डाइपोल डेवलप हो गई, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब जरा देखिए इस एच जी ओ ए सी पर, एच जी पर प्लस है तो देखिए प्लस और इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। यहाँ पर प्लस है और इसके पास लोन पेयर है, तो प्लस लोन पेयर एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेगा। तो बेसिकली होने क्या लगेगा बेटे अब, कि ये पाई बॉन्ड आपका टूटने लगेगा, बीवी होने लगेगा, और ये प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर पार्शियल माइनस, जैसे जैसे बॉन्ड टूटने लगेगा ये एक्चुअल माइनस में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। यहाँ प्लस और यहाँ पर लोन पेयर है, तो प्लस लोन पेयर के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो यहाँ पर एक ये आप देख रहे हो ट्रांजिशन स्टेट आएगा बेटे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, देखो कि ये जो है आपका ये बॉन्ड टूटने लगेगा बीवी, और यहाँ पर क्या होगा बीएम, और यहाँ पर क्या होगा बीएम। तो बेसिकली ये कन्वर्ट क्या होगा, कैसे होगा जरा देखिएगा ध्यान से। तो जो टूटना होगा बेटे वो टूट जाएगा, जो टूटना होगा टूट जाएगा। तो देखिए टूटना था टूट गया, देखो ये डबल बॉन्ड बचा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। आप जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर एक्चुअल प्लस जब पूरा टूटेगा तो एक्चुअल प्लस आएगा, और प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, और बेटा जहाँ पर लोन पेयर था देखिए वहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, आ गया प्लस चार्ज, और इस पर पहले से प्लस चार्ज था, और जब ये टूटा तो एक्चुअल माइनस आया, तो माइनस और प्लस एक बॉन्ड बना लेगा, तो प्लस का ऑलरेडी रह जाएगा, तो एक प्लस यहाँ रह जाएगा। और देखिए कुछ तरह से साइक्लिक फॉर्म आ गया। तो ये तो यूज हो गया इसके साथ, और ये बच गया आपका ओ ए सी माइनस। ए सी मीन्स सी एस सी सी ओ ग्रुप, और यहां पर ओ माइनस लगा है, तो सी एस सी सी ओ माइनस मतलब दिस इज ए सी डेटा है। क्लियर बेटे बात यहां तक समझ में आती है, चलिए ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्म आया आपके सामने। तो ये क्या था, एडिशन ऑफ मर्करी कंपाउंड, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सी मर्कुरेशन ऑफ अल्काइन, है ना। अल्किन में देखे थे, अल्काइन का भी देख लो बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहां पर देखो क्या है, अगर देखो यहाँ पर अगर हम दिखाएं इस रिएक्शन, देखो तेजी से न्यूक्लियोफाइल, पानी है यहाँ पर, पानी का अटैक होगा अब इसमें। जब पानी का अटैक होगा तो देखो सामने वाली पोजीशन तो ब्लॉक्ड है बेटे, सामने वाली पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल इसके पास लोन पेयर है पानी के पास, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो ऐसे कप कटाइन पर अटैक करेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा बताओ यहाँ पर ये 2 डिग्री वाला होगा, यहाँ पर 1 डिग्री वाला, तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर पीछे से अटैक करेगा, तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, जरा समझिएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब इसके पास यहाँ पर आएगा, जब अटैक करेगा, तो इस पर देखो या न्यूक्लियोफाइल यू एन यू माइनस, या फिर आप एच ओ एच कह सकते हो, ये इसके पास लोन पेयर है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड बनने लगेगा, और ये बॉन्ड आपका टूटने लगेगा। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एक्सप्रेस, राइट बेटे। तो अब जब ये टूटेगा इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। बेटा बताओ ये प्लस और लोन पेयर फिर से एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। तो जरा देखिएगा, ये बॉन्ड पूरा टूट गया और ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, देखिए एच जी ओ एस आ गया, आ गया बेटे। अब ये लोन पेयर, ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लिया, और जहाँ पर देखो लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया। बोलो बेटे, अब सोल्यूशन में आपका ओ ए सी माइनस बचा हुआ था, जरा देखें ओ ए सी माइनस। अभी ओ ए सी माइनस क्या करेगा बेटे, यहाँ से यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, इस एच प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा ओ ए सी माइनस। तो क्या हो जाएगा, ए सी ओ एच बना देगा, यानी सी एस सी सी ओ एच बना देगा, और यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर यहाँ पर ओ एच आ जाएगा। ये देखिए ओ एच आ गया, क्या बेटे यहाँ तक बात समझ में आती है क्या। ये सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का आपका ऑक्सी मर्कुरेशन का प्रोसेस था, एडिशन ऑफ मर्करी कंपाउंड। अब डी मर्कुरेशन देखते हैं इसका। अब एन ए बी एच फोर का फंक्शन है, अब आपको पता है बेटा कि जो एन ए बी एच फोर है, दिस इज सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन डोनर है, हाइड्राइड आयन डोनर है। ये जो आप एच जी ओ ए सी देख रहे हो, तो बेटा यहाँ पर ओ ए सी पर आपको पता है माइनस होता, तो यहाँ पर ओ जी ओ ए सी माइनस है, तो ये माइनस यहाँ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर एच जी पर क्या है बेटे, देखिएगा ध्यान से, तो एच जी ओ माइनस आपका बाहर होगा। गौर फरमाइएगा, ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या होगा कि भाई हाइड्राइड आयन डोनर है बेटे, हाइड्राइड आयन डोनर है, तो इसमें से अब ये ऐसा कुछ होगा, है ना, एकदम बढ़िया से और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ से ओ ए सी माइनस बाहर हो गया, तो बेटा यहाँ पर एच जी प्लस बचेगा, देखिए जी प्लस ओ ए सी माइनस बाहर। अब ये हाइड्राइड आयन डोनर है, तो बेटा कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या होगा कि जो एच जी प्लस है इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा बेटे, प्लस चार्ज है यहाँ पर,
तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस और ये माइनस यानी एच माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा इस प्लस पर और ये सी एस से सी एच टू बना देगा। देखिए कैसे, देखिए सी एच ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पर आपको फ्री न्यूट्रल एच जी इन न्यूट्रल फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर बात, ओ एच सी माइनस आपका बाहर निकल चुका है। एच माइनस जो सोडियम पर हाइड्राइड से आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और बेटा यहाँ पर प्लस माइनस बनकर सी एच टू हो जाएगा। देखिए और ये आपका इनॉल फॉर्म हो गया, ओ एच सिंगल डबल इज इनॉल फॉर्म, उसको आप 1 2 3 कर सकते हैं। तो जब आप इसको 1 2 3 करोगे तो 1 वाला हाइड्रोजन आपका 3 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, तो देखिए एच यहाँ चला गया तो सी एच थ्री हो गया। देखिए आप ध्यान से बेटे, और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए यहाँ चला गया और आपका ये देखो कीटो फॉर्म आ गया, और यहाँ से देखो मरकरी न्यूट्रल फॉर्म। तो जब आप NaBH4 यूज कर रहे हो बेटे तो मरकरी कौन से फॉर्म में आ रहा है, न्यूट्रल फॉर्म में आ रहा है, और देखो ये प्रोडक्ट कीटोन बन जा रहा है आपका। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखो यहाँ पर ये कीटोन बन जा रहा है आपका, प्रोडक्ट कीटोन आपका बन जा रहा है बेटे यहाँ पर। ये देखिए कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये था हमने कब जब क्या यूज किया, मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस HOH, और दूसरा आपने NaBH4OH- यूज किया। तो जस्ट हमने वो मैकेनिज्म आपको दिखाया जो हमने प्रॉपरली अल्किन में यूज किया था कि अगर हम उसका यूज करें तो क्या होगा। बट ध्यान रखना पूछा जाता है बेटा कि अगर NaBH4 यूज किया आपने तो यहाँ पर क्या आएगा, मर्क्यूरी न्यूट्रल फॉर्म में आएगा। चलिए अब और भी एस्पेक्ट्स देखते हैं इसके क्या है। अब सपोज हम यहाँ पर Hg2+ वाला कॉन्सेप्ट लें, Hg2+ का मतलब हम यहाँ पर HgSO4H2SO4 ले रहे हैं, और ये जनरली 1% 1% होते हैं, 1% 1% होते हैं, ये ले रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, Hg2+ मिलेगा, हैवी मेटल है, +2 चार्ज है। अब बताओ बेटा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यही मैं चीज आपको समझाना चाह रहा था एक्चुअली में। अब देखो यहां पर जो अटैक किया था वो क्या अटैक किया, देखिए +1 अटैक किया था, तो क्या है बेटा इसको उतना पोलराइज उतना लूज, देखो यहां +1 चार्ज डेवलप होगा, उतना लूज या उतना पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो यहां यील्ड कम था। बट अगर हम यहां पर क्या ले लें बेटा, Hg2+ ले लें, HgSO4 से Hg2+ मिल जाएगा आपको, ये देखिए। तो ये क्या करेगा, इसके पास जब जाएगा बेटे तो फिर से इसको मैकेनिज्म को आप समझ लें। देखिए ये आपका था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H और Hg2+ Hg2+ गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ तरह से होगा, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म उसी तरह का। अब बेटा क्या होने लगेगा जरा बताओ, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचने लगेंगे, चूंकि डी ऑर्बिटल है तो उसके पास लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर प्लस चार्ज में एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटे कि जब इन दोनों के बीच जब पूरा बॉन्ड टूट जाएगा तो माइनस और प्लस, तो एक प्लस और एक माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, समझना समझाने के लिए यहाँ पर, तो एक प्लस वन बच जाएगा, जरा देखिएगा। और ये यहाँ पर लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज है, तो एक प्लस और आ जाएगा, तो बेटे अल्टीमेटली यहाँ पर +2 चार्ज ही बचेगा, देखिए आपके सामने ये, और बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा आपका, बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा, देखिए Hg2+ आ गया। और फिर से न्यूक्लियोफाइल पानी है वापस जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पर फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसे टूटेगा। अब आपको पता है ना यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखो माइनस यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, और प्लस लोन पेयर देखो एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, देखिए। और चूंकि यहाँ पर गया तो एक माइनस आया तो +1 चार्ज बचा, देखिए गौर फरमाइएगा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉनिक प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल है, तो तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस बाहर हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए OH में। अब NaBH4 का काम आएगा, तो मैकेनिज्म विथ NaBH4 तो हाइड्राइडन सप्लायर है। अब अगर हाइड्राइडन सप्लायर है बेटे तो अभी मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है बेटे इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींचेगा, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा और एच माइनस यहाँ पर अटैक कर जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो कुछ बन जाएगा, है ना। तो इसको आप एक कम कर लो बेटे, ज़्यादा नजर आ रहा है, जस्ट मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दे बेटे, आपको बैलेंस ही थोड़ा सही कर दें इसके, यहाँ पर CH होगा, ठीक है। ठीक है अब समझिएगा बात को, गौर फरमाइए बेटे, ठीक है यहाँ तक समझे। तो ये आया, अब ऐसे टूटा यहाँ पर, तो क्या आया बेटे, यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर आया प्लस, तुरंत एच माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, देखिए हो गया ये। और एच जी जो बाहर हुआ किस फॉर्म में बाहर हुआ, देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, ये देखिए। सो एच जी रिमूव्स इन न्यूट्रल फॉर्म, तो NaBH4 जब यूज कर रहे हो तो ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रिलीज हो रहा है, बाहर हो रहा है। अब देखो ये इनॉल फॉर्म आ गया, फिर से आप 1 2 3 कर दें इसका, 1 2 3, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, तो ये CH2 से CH3 हो गया, देखिए आप।
डबल बॉन्ड 2-3 से 2-1 में शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया बेटे यहाँ पर, और एक कीटोन बन गया, इनोल से आपका एक कीटो फॉर्म बन गया, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो गया, बताओ बेटे। सो यूजिंग NaBH4 विथ HGSO4 एंड H2SO4 राइट बेटे, तो आपको यहाँ पर जो मरकरी निकलेगा दैट विल बी न्यूट्रल फॉर्म। तो देखिए जब हमने NaBH4 यूज किया, Hg2+ का यूज किया, तो कुछ इस तरह से प्रोसेस आया मैकेनिज्म में, आप देख रहे हो डिफरेंस आ रहा है। जब हमने HgOH यूज किया था तो क्या हुआ, Hg2+ में यहाँ पर प्रोडक्ट का जो यील्ड है वो ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा पोलराइज करेगा, +2 चार्ज है यहाँ पर। बहुत सही बात समझ में आती है आपको। तो अगर हम इसका यूज करें यहाँ पर, ये देखिए तभी, अब देखो हम यहाँ पर NaBH4 यूज नहीं कर, अब हम क्या HgSO4 H2SO4 वाटर यूज कर रहे हैं, ये देखिए इसके पहले अभी हमने क्या यूज किया, Hg2+ यूज किया, मतलब HgSO4 H2SO4 हमने यूज किया कुछ तरह से, और ये हमने बनाया विथ NaBH4। अब हम विदाउट NaBH4 बात करें, यहाँ पे NaBH4 नहीं, तब भी हमारा ये कंपाउंड बनेगा। सो विदाउट यूजिंग NaBH4 प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन विल बी सेम एज यूजिंग NaBH4। NaBH4 यूज करेंगे तब भी ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं यूज करेंगे तब भी ये प्रोडक्ट बनेगा। सो व्हाट इज डिफरेंस, क्या डिफरेंस है कि हम NaBH4 यूज करें Hg2+ के साथ या फिर नहीं यूज करें प्रोडक्ट, तो से हमारा दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। सो डिफरेंस ऑफ रिमूवल ऑफ मरकरी, तो मरकरी के रिमूवल में डिफरेंस आएगा, है ना, मतलब कहने का मतलब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपके पास दो केसेस बन सकते हैं, पहला केस ये कि आप क्या ले लो HgSO4 H2SO4 ले लो, और दूसरे स्टेप में आप क्या ले लो NaBH4 ले लो, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि आप केवल HgSO4 H2SO4 ले लो और दूसरा पानी ले लो, ये तो ये है क्या विथ NaBH4 है एंड दिस इज विदाउट NaBH4, विदाउट NaBH4 दोनों में प्रोडक्ट सेम आएगा। जैसे अगर आप इसका यूज करके अल्काइन के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा वही बनेगा, इसमें भी वही बनेगा, बट व्हाट इज विल बी डिफरेंस कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा व्हाइल यूजिंग NaBH4 और नॉट। तो जब इसका यूज करें तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा, उसमें मैकेनिज्म को भी समझते हैं। सो डिफरेंस जो यहाँ पर आएगा, मैंने लिखा हुआ है दैट इज डिफरेंस ऑफ रिमूवल ऑफ मरकरी, अब देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा, वो हमें मैकेनिज्म से समझ आएगा। सो मैकेनिज्म विदाउट NaBH4 Hg2+ है, सेम मैकेनिज्म बट आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, इसके बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड से टूटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ +1 बचेगा, +1 बचा यहाँ पर, राइट बेटे समझना। ओके अब क्या होगा, NaBH4 तो आपके पास है नहीं, NaBH4 तो आपके पास है नहीं, तो अब यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा कि ये H ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस। अब ये H+ जाके यहाँ अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आएगा आपका प्लस, तो Hg तो है Hg2+ के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। यहाँ पर देखो रिमूवल में फर्क पड़ा, वहाँ पर Hg न्यूट्रल फॉर्म में और यहाँ पर Hg2+ फॉर्म में, तो जब आप NaBH4 यूज कर रहे हो तो Hg न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है, और जब आप NaBH4 यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आप Hg2+ फॉर्म में ला रहे हो, और देखिए यहाँ से H+ निकले तो यहाँ OH बचा और CH2, अच्छा यहाँ पर अटैक करके CH2 हो गया, उसका ये इनॉल है और इनॉल से बेटा कीटो बना लो, इनॉल से कीटो कैसे बनाओगे 1, 2, 3 मजा आ रही है बेटे मैकेनिज्म में, ये 1 से 3 में चला जाएगा, डबल 1, 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा, देखिए आपके सामने बेटे। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बेसिकली बेटे, दिस इज द डिफरेंस। तो अब जरा देख लें डिफरेंस क्या है, सो हियर मर्करी रिमूव्ड एज Hg2+, सो विदाउट NaBH4 मर्करी रिमूव्ड एज Hg2+, सो इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। तो क्यों कैटलिस्ट की तरह काम किया इसने, क्योंकि देखो बेटा आपने Hg2+ के फॉर्म में यूज किया था और बाहर भी किस फॉर्म में आया, अब आप देख रहे हो बाहर भी किस फॉर्म में आया, Hg2+ के फॉर्म में, Hg2+ के फॉर्म में यूज किया, बाहर भी Hg2+ के फॉर्म में आ गया, दैट्स व्हाई सो दिस वर्क्स एज ए कैटलिस्ट हियर। इफ वी टेक NaBH4 फ्री मर्करी विल रिमूव, इफ यू डोंट टेक NaBH4 Hg2+ रिमूव एज ए कैटलिस्ट। देखो बेटा सारी चीजें आपके सामने हैं, क्लियर हैं एकदम अच्छे से। अब बात आती है कि सर आपने H2SO4 भी तो लिया था, उसका क्या फंक्शन है वो भी समझा देता हूँ। हर चीज़ बेटा देखो, हमने कहा था 0 to सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसे नॉर्मल हम बात नहीं करने वाले हैं, तो आप जरा देखिए और समझिए बात को। सो रोल ऑफ H2SO4 क्या होगा, आप देख रहे थे इनोल से हम कीटो बना रहे थे, तो जब इनोल से कीटो बनाते हैं तो बेटा यहाँ पर एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट, तो यहाँ पर जो H2SO4 है वो एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। सो व्हेन टॉटोमेराइज टेक्स प्लेस दैट टॉटोमेरिज्म इज एसिड कैटलिस्ट ड्यू टू H2SO4, सो इट इज यूज एज एसिड कैटलिस्ट इन टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो H2SO4 है जब टॉटोमेरिज्म कराते हैं तो वहाँ पर एज एसिड कैटलिस्ट यूज होता है। बोलो बेटे कहानी एकदम बढ़िया से तगड़े से क्लियर है क्या, प्रॉपर देखो आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर किए कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, कि जो हम अल्कीन में जब हम OMDM करा रहे थे अल्कीन का, तो उसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं अगर हम वही अल्काइन में यूज करें तो क्या होगा, वहाँ पर यील्ड कम होगा पहली चीज, दूसरा चलो ठीक है अब हम हैवी मेटल का यूज करेंगे, HgSO4 का यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
एक तो वहाँ पर दो केस बन सकते थे, एक बार NABH4 के साथ कर लो और NABH4 विदाउट NABH4 कर लो। अगर NABH4 के साथ करते हो तो मरकरी Hg के फॉर्म में न्यूट्रल फॉर्म में बाहर आएगा, विदाउट NABH4 करोगे तो Hg2+ के फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, H2O4 का क्या रूल है, जब टॉटोमेरिज्म होता है इनॉल से जब हम किट हो जाते हैं तो बेटा उसमें वो एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। अगर आप विदाउट NABH4 करते हो तो Hg2+ एज ए कैटलिस्ट वहाँ पर होता है, अगर विद NABH4 करते हो तो बेटा वहाँ पर Hg जो है आपका न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकलता है और वहाँ पर वो कैटलिस्ट का काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर आपने Hg2+ डाला था, निकल बाहर रहा है Hg के फॉर्म में। बताओ बेटा यहाँ तक कहानी एकदम 100% क्लियर है कि नहीं? चलिए पानी पीते हैं। अब इन सब का भी तरीका बताएंगे भाई, तो सब प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओगे, क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें समझेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी दिखा दें कि वहाँ पे कैसे रहता है। एडिशन ऑफ वाटर बोलेंगे बेसिकली वही OMDM है। अब थोड़ा इस बात को भी समझो, Hg2+ और H2SO4 था ना, तो उसका HgSO4 H2SO4 था ना बेटे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, Hg2+ H+ भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सिंपल क्या है, एडिशन ऑफ वाटर ही तो है, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर ही तो। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया, जरा देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक दिखा दें आपको, तो यहाँ पर Hg2+ और H+, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर ही तो था ये बेटे, चाहे विथ NABH4 करो चाहे विदाउट NABH4 करो, H+ OH-। उसका सिंपल सा तरीका हमने क्या दिखा था, तो ऐसे कर लो माइनस प्लस स्टेबल का आपका टैन पे OH- का नेगेटिव का अटैक करा दो, एच का इधर अटैक करा दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा जरा देखो। और भी हम आपको छोटा, इससे और भी छोटा तरीका बताएंगे, तो सी और यहाँ पर OH हो जाएगा और डबल वन बेटे यहाँ पर CH2 हो जाएगा। अब इनॉल से आप क्या करो बेटे, इसको कीटो में कन्वर्ट कर दो, तो 1, 2, 3 कर दो, एच को इधर ले आओ, तो CH3 C, है ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल नहीं डबल बॉन्ड, 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड वो हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड देखो यहाँ चला गया तो सिंगल बचेगा यहाँ पर, ये CH3 हो जाएगा। देखिए इसमें अगर करें हम तो देखिए माइनस प्लस, देखिए तो प्लस माइनस, OH इधर जाएगा H इधर चला जाएगा, तो आपका हो गया CH OH डबल बॉन्ड CH2, राइट बेटे। अब ये इनॉल से किटो बना लो, 1, 2, 3 हाइड्रोजन को इधर ले जाओ, डबल बॉन्ड को 2, 3 से 2, 1 में शिफ्ट कर जाओ। बता बेटा तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, एच इधर आ जाएगा तो बेटा ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल था सिंगल बचेगा, CH है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा, CH3 CH। देखिए आपके सामने इथेनॉल बन जाएगा, है ना, इसको टॉटोमेरिज्म बोल सकते हो या फिर आइजोमेरिज्म बोल सकते हो, आइजोमेराइजेशन बोल सकते हो। तो पढ़ लो, लाइक अल्केन्स एंड अल्कीन्स, अल्केन्स आर ऑल्सो इमिसिबल एंड डो नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता आपको पता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वाटर उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा। हाउएवर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एड्स टू अल्काइन्स ऑन वार्मिंग विथ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हैवी मेटल की वजह से ये लूजली बॉन्ड हो जाता है और आसानी से आगे बढ़ जाते हैं टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड। से आपके सामने बैठे, ये आपके सामने प्रोपाइन है ना, अब आप ये वाला अभी जस्ट बताया मैंने आपको, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो ये बना कुछ इस तरह से, है ना, देखो ये आप इसको HgSO4 और डायल्यूट SO4 भी लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि तो ये अभी रिएक्शन आपके सामने बैठे कुछ तरह से बना और फिर अरेंजमेंट हुआ, मतलब इनॉल से कीटो बनाया, कुछ आपके सामने आ गया। बोलो बेटे कहानी क्लियर, अब देखो सिंपल करना क्या है आपको, अब सिंपल देखो करना क्या है आपको बेटे, उस बात को समझिए आप मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए क्या होगा, ये है और ये, अब Hg2+ आ रहा है इसका मतलब आप NABH4 यूज नहीं कर रहे हो, देखो HgSO4 H2SO4 वाटर है, सो एडिशन ऑफ वाटर फॉलोज मार्कोनी कोच रूल देन टॉटोमराइज मेक प्रोडक्ट बाय यूजिंग दिस ट्रिक। एक तो आप ये तरीका कर सकते हो कि क्या करो भाई, वाटर का एडिशन जैसे मार्कोनी कोच रूल में करते हैं वैसे कर लो, जैसे देखो क्या करा जाए इसका, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, pH C डबल बॉन्ड C, एकदम परफेक्ट हो जाओ बेटे, वाटर पॉजिटिव निगेटिव ये आप करा, तो मार्कोनी कोच क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर ऐसे डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ चला जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, ये तो समझा रहे थे आपको अभी हम बेटे, तो PC और यहाँ पर हो गया आपका क्या OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2, देन टाटोमराइज, अब इसको टाटोमराइज करा दो, तो देखो 1, 2, 3, सो PH C डबल बॉन्ड 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा, देखिए चला गया यहाँ पर O, हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, तो यहाँ सिंगल बचा और यहाँ पर देखो CH3, दिस इज द प्रोडक्ट, और यहाँ पर Hg जो है Hg2+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है बेटे, अरे बोलो ना, देखो सिंपल, अब बेटे ये सारी मैकेनिज्म आपको पता है कि नहीं, देखो जरा सा, ये आपने ऐसे, अब NABH4 अगर आप ले रहे हो, NABH4 अगर आप ले रहे हो तो Hg2+ था बेटे,
बात समझ रहे हो, एच जी टू प्लस था बेटे, यहाँ पर अटैक करेगा तो एच जी प्लस के फॉर्म में आया था बाहर। क्लियर है ना कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट था बेटे आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जब आप एन ए बी एच फोर लेते हो तो मरकरी आपका किस फॉर्म में बाहर निकलता है, एच जी के फॉर्म में, किट फॉर्म में। तो ये मैकेनिज्म तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बेटे। जब आप एच जी एस ओ फोर एच टू ओ फोर लेते हो तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म बेटे आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी कि नहीं हो चुकी हैं बेटे अच्छे से, ठीक है बोलो ना बेटे। और यहाँ पर जो सी एच टू था उसके बाद जो हाइड्रोजन ये आ रहा है, देखो ये पानी यहाँ पे अटैक किया था ना बेटे, उसके बाद ये इधर जाता जा रहा था कि नहीं जा रहा था, और यहाँ पर ऐसे टूटा था तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आया था, और ये एच प्लस, तो इसके पास जो ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है बोलो ना बेटे वो कौन सा, देखो तो एक तो सी एच टू हो जाएगा हाइड्रोजन है ना, और दूसरा इसके बाद जब आप यहाँ पर देखो ओ एच है, ये जो ओ एच बचा यहाँ पर ये भी पानी से ही तो है बेटे, जब आप इसको 1 2 3 करोगे तो इसका हाइड्रोजन भी जो यहाँ पर जाएगा, बात समझ रहे ना बेटे। तो ये पहला हाइड्रोजन भी और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन इसके पास कहाँ से आएंगे, पानी से आएंगे बेटे। तो ये कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना दिस इज फ्रॉम वाटर, आप डायरेक्ट बना सकते हो बेटे, तो कुछ ये कहानी आपके सामने है। सो ओनली इथाइन फॉर्म्स एल्डिहाइड एंड ऑल अदर अल्काइन फॉर्म्स कीटोन। तो अगर केवल इथाइन है, जब आपने इथाइन किया था तो आपने देखा था कि एल्डिहाइड बना था इथाइन, और आप कोई सा भी ले लो बाकी सारे केसेस में बेटे क्या बनने वाला है आपका, कीटोन बनने वाला है, बाकी सारे केसेस में क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है। बोलो बेटा कहानी क्लियर है, अब तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से देख लो है ना, कुछ लोग रिएक्शन सब बता चुका हूँ, डाइल्यूशन ऑफ फोर, डाइल्यूशन एच जी एस ओ फोर, या इसको 1% एच जी एस ओ फोर 1% एच टू ओ फोर बोलते हैं, बताओ बेटा इसको ऐसे तोड़ लिया देख लो एक बार, जस्ट एडिशन ऑफ वाटर है, अगर हमने इसे तोड़ा तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस आया, बताओ बेटे ये प्लस और ये माइनस, ओ एच यहाँ चला जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा, तो देखिए ये बन गया। बस 1 2 3 करा लें, क्या करा लें बेटा, 1 2 3 करा के सीधे यहाँ तक जा सकते हो डायरेक्ट ऐसे, या फिर एक और बताते हैं आपको क्या करना है, चलो पहले वाटर का एडिशन कराते हैं, वाटर का एडिशन कराते हैं, तो फिर से इसको ऐसे हमने तोड़ लिया, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस ऐसे भी समझो, तो ये प्लस इधर चला गया, ओ इधर चला गया, ये देखो जिम डायल बन गया, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक स्टोन निकल जाता है, स्टोन निकल गया तो डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, देखिए आ गया, ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 1 2 3 करा लो, 1 2 3 करा लो, सारी चीज़ें समझो, 1 2 3 हर एस्पेक्ट को, तो ये वहाँ से 3 चला जाएगा तो R2CH2 हो जाएगा, R2CH2 और डबल बॉन्ड 2 3 H2 1 में चला जाएगा, देखिए सब कुछ तो बेटे पता है आपको, सब कुछ तो बेटा आपके सामने क्लियर करके 100% सामने रख रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको ना हो, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर बेटे आपके सामने दिखते जाओ बेटा, अब सारी मैकेनिज्म आपको बताई हुई है, आप फटाफट तेजी से करते जाएं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएं। दिस इज कॉल्ड अ विनाइल अल्कोहल, जिसको हम इनॉल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, कैसे फटाफट देखें तेजी से, तो इसका मतलब सिंपल एच ओ एच है बेटे, प्लस माइनस, ठीक है मार्कोनकोज अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे कम है तो यहाँ ओ एच जाएगा, यहाँ पे एच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल हो जाएगा, डबल हो गया ओ एच और यहाँ पर एच चला गया, देखिए अब आप इसको टाटोमराइज करके बना सकते हो, बना सकते हो बेटा, हो जाएगा। तो देखो अगर कोई सा भी आप ले लो आपको कीटोन नजर आएगा, बट अगर आप इथाइन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, बोलो। अब इसकी बात करो बेटा तो फिर से एच ओ एच, अच्छा ये बता चुका हूँ अभी ऑलरेडी, समझ चुके हो तो अब इसको बार बार, अच्छा बताओ बेटा ये मैकेनिज्म प्रॉपर बता चुका हूँ कि नहीं, जरा देखो ये जी टू प्लस आया, पोलराइज किया, पाई कॉम्प्लेक्स बना, कुछ इस तरह का देखो बना, प्लस टू चार्ज यहाँ पर है, पानी आया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती चली जा रही है बेटा, और यहाँ पर जी टू प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा ये देखो सारी रिएक्शंस आपके सामने कैसे कैसे क्या है, सारा मैकेनिज्म बेटे ऑलरेडी डिस्कस है कि नहीं बेटे, बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ बेटे, तो सारी कहानी मैं बोल चुका हूँ आपको, पूरा का पूरा एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर, देखो ये मैकेनिज्म फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा बेटे आपके सामने क्लियर है, यहाँ तक सारा कुछ बेटे आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, डायरेक्ट बना सकते हो, जैसे इसका है देखो क्या करोगे आप, इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मेजर की बात करें इधर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पर पी एच सी एच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच, देखिए कुछ इस तरह से पूरा डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ, इसको ऐसे तोड़ा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पानी एच ओ एच करो प्लस माइनस, ये इधर गया ये इधर गया, बनाइए जरा से एक बार, सो पी एच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच हो गया और यहाँ पर सी एच थ्री, टॉटोमराइज कराओ, टोटोमराइज करो 1 2 3, तो अब देखो ये हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा तो यहाँ सी एच टू हो जाएगा, तो देखिए सी एच थ्री सी एच टू, डबल बॉन्ड ये 2 3 से 2 1 में चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। अब ये जो बन रहा है बेटे जरा देखिएगा, इज दिस कंपाउंड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, क्या ये एल्डिहाइड है, नहीं है तो नहीं देगा, क्या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो हेलोफॉर्म टेस्ट बेटा कौन देता है, इसके पास सी एच थ्री सी ओ ग्रुप हो, क्या इसके पास है सी एच थ्री सी ओ, नहीं पी एच सी ओ, नहीं देगा,
फिलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, नहीं देगा। डाइल्यूट एनएच, एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन कौन देता है बेटे? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब CO से अटैच्ड जो एक्टिव ग्रुप होता है ये, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो एल्डोल देगा। तो देखो CO से यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, इसके पास हाइड्रोजन है, सो दिस विल गिव एल्डोल रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन, इस तरह के कॉन्सेप्ट बेटे बन सकते हैं, तगड़े वाले, मस्त और ज़बरदस्त वाले। अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटे? बढ़िया से कर पा रहे हो ना, बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से? चलिए देखिए, अब जरा समझिएगा ध्यान से, अब हम और डायरेक्ट और जल्दी कैसे बनाएं, एकदम गौर से, बढ़िया से, प्यार मोहब्बत से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या, सिमेट्रिकल एंड टर्मिनल अल्काइन, जैसे सिमेट्रिकल है ना, और देखो टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब ऐसा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसके जो लास्ट में, लास्ट वाले कार्बन से अगर ट्रिपल बॉन्डेड कर, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, और वहाँ पर हाइड्रोजन होता ही होता है। ऑलवेज गिव सिंगल कीटोन, तो अगर सिमेट्रिकल है या टर्मिनल है तो हमेशा सिंगल कीटोन देगा। बात समझ रहे हो बेटे? अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो दो कीटोन देगा। तो जैसे सिमेट्रिकल है और टर्मिनल है तो देखो सिंगल सिंगल देगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो दो देगा। अभी समझाते हैं कैसे। सिमेट्रिकल एंड टर्मिनल अल्काइन एड वन ऑक्सीजन एट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एंड टू हाइड्रोजन ऑन अदर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। सिमेट्रिकल या टर्मिनल है तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, अब टर्मिनल के लिए स्पेशली क्या करना है, ऑलवेज एड वन ऑक्सीजन ऑन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन विच हैज नो हाइड्रोजन। तो देखो ये बेटा क्या है, आपका समझना, ये टर्मिनल है, टर्मिनल अल्काइन है, तो इसमें ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन दोगे, बोलो ना बेटे, जहां पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पे ऑक्सीजन दे दो, और ये दो बॉन्ड तोड़ डालो और बाकी दूसरे वाले को दो हाइड्रोजन दे दो। तो देखो CH3CO, और यहां पर ये देखो दो दिया तो CH3 हो गया। डायरेक्ट बनाओ बेटे, डायरेक्ट बनाओ, ये तो सिमेट्रिकल कैसे भी कर दो। तो यहां पे दो बॉन्ड तोड़े, एक को ऑक्सीजन दे दिया, इसको दो हाइड्रोजन दे दिया, तो CHO सिंगल बॉन्ड CH3 ले लीजिए। समझ रहे हो कहानी? अब जैसे ये देखो टर्मिनल है बेटे, तो टर्मिनल में एकदम फिक्स है। क्या फिक्स है? कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपाउंड मिलेगा आपको, और ऐसा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन नहीं उसको ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो उसको ऑक्सीजन दिया, दो बॉन्ड तोड़ डाले, इसको दो हाइड्रोजन दे दिए, तो CH3CO, देखो CH3CO आगे बढ़ गए। बट दिस इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल भी है और ये नॉन टर्मिनल है, तो बेटा इसमें दो बनेंगे। इसका सिंपल तरीका है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है बेटे, पहले केस में एक को ऑक्सीजन दो, दूसरे को दो हाइड्रोजन दे दो, दूसरे वाले केस में पहले वाले को दो हाइड्रोजन, दूसरे वाले को ऑक्सीजन दे दो, और प्रोडक्ट बना लो। तो ए में अगर हम चलें, इसमें चलें, देखो तो दो बॉन्ड तोड़े, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ देखिए डबल बॉन्ड हो आ गया, इसको दो दिए तो यहाँ CH2 हो जाएगा, CH2 और CH2 CH3। बी वाले में देखो, इसको दो हाइड्रोजन दिए तो CH3 CH2 हो जाएगा, हो गया। इस वाले को दिया, दो बॉन्ड टूटा तो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। बनाओ ना प्रोडक्ट बेटे, बनाओ ना प्रोडक्ट बेटे। ये सब वही तरीका यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो बेटे। तो अगर टर्मिनल है, अगर टर्मिनल है, ध्यान रखो बेटा, तो हम ऑक्सीजन उसी कार्बन को देंगे जिसके पास, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और ऑक्सीजन उसी कार्बन को देंगे जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो इसको देंगे और इस वाले को दो हाइड्रोजन देंगे। ऐसा नहीं करना कि इसको हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन दे दो, तो ये नहीं होगा, ये होगा, बताया ना। और अगर सिमेट्रिकल है तो कैसे भी दे दो, एक ही बात है। तो ये आपके सामने तरीका है, प्रोसेस है पूरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सो ओनली एसिटिलीन गिव्स एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड इज एसिटिलडिहाइड। टर्मिनल अल्काइन एंड सिमेट्रिकल एंड इंटरनल अल्काइन्स फॉर्म सिंगल कीटोन, वेर एज अनसिमेट्रिकल अल्काइन या इंटरनल अल्काइन गिव्स टू कीटोन्स। सारी चीज़ें, सारे मेथड्स, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। तो ये बेटा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीवर्क्रिएशन एंडीवर्क। मुझे लगता है बहुत डिटेल में करें जब विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स हर तरीके से। क्या पहले आप क्या करो, आप इनॉल बना लो, फिर कीटो बना लो, चलो वो भी नहीं बनाना चाहते हो तो बेटा ऐसे कर लो ना। अब इससे छोटा, इससे शॉर्टेस्ट मेथड कोई हो सकता है क्या बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने को? बताओ हर तरीके से, कितने तरीके, प्रॉपर मैकेनिज्म, हर चीज़ की, क्वेश्चन किसी भी तरह का आए, है ना, कौन फेलिंग टेस्ट दे सकता है, कौन टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, कौन सा क्या हो सकता है, सब कुछ तो बेटे आपके साथ। सो जो अल्डिहाइड होता है, कि अल्डिहाइड्स जो होते हैं जनरली बेटे, वो आपको फेलिंग्स या टॉलरेंस टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, ठीक है। आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है जनरली, जिसमें CH3CO ग्रुप होता है। एल्डोल कौन सा देता है, जिसके पास CO के पास CH3 और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा। तो सारी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटे मैंने आपके सामने रखी बहुत प्रॉपर और बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो मुझे लगता है आप यहाँ तक बात बहुत तगड़े से समझ गए होंगे। तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट ऑफ OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। NaBH4 होगा तो क्या होगा, NaBH4 नहीं होगा तो क्या होगा, Hg2+ लेंगे तो क्या होगा, और HgOAC2 लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा रोल ऑफ H2SO4, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हर तरीके से बेटा, कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है, जितनी भी तरीके से क्वेश्चन तोड़ा जा सकता था, सब कुछ आपके सामने रखा है OMDM में।
तो मुझे लगता है कि अब आपको तगड़े से कॉन्सेप्ट बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटे किसकी, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। और ये आपको पता है एंटी एंटी एडिशन होता है, और इसको भी अभी समझते हैं प्रॉपर तरीके से कि हैलोजिनेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन की बात करते हैं और उसके बाद फिर और आगे तगड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं बेटे हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अब देखो बेटा क्या है ना कि ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जब हम लोग अल्किन की बात कर रहे थे तो आपने देखा था कि जब हैलोजन का हम एडिशन कराते हैं अनसेचुरेट कंपाउंड में लाइक अल्किन एंड अल्काइन, तो वहाँ पर एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, अगर ब्रोमीन है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, राइट बेटे। और दूसरा उसके बाद फिर एंटी एडिशन होता है उसमें, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है BR है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर ये ब्रोमीन यहाँ पर आएगा। जस्ट अब देखो एक बार, और आप देख रहे हो बेटे कि जो ब्रोमीन है दिस इज नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है, तो जब ये इसके पास आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके दूर जाएंगे, और दूर जाने से क्या होगा कि यहाँ पर आपका डायपोल डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से दूर जा रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव होता है। उसके बाद अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि बॉन्ड टूट जाएगा और आपको बी आर माइनस और बी आर प्लस मिलेगा। जैसे ही आपको बी आर प्लस मिलेगा सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल, एक बार समझ लो। उसके बाद फिर बेटे यहाँ पर एक टेंशन स्टेट आता है, क्या टेंशन स्टेट आता है समझिएगा बात को जरा सा। तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, अब यहाँ पर बी आर प्लस है, इसके पास लोन पेयर भी हैं बेटे, ठीक है, ओके। ये कुछ तरह से पोलराइज होगा, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बताओ इसका प्लस और इसका लोन पेयर के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा और ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये माइनस और इस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा कुछ तरह से, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बॉन्ड टूटना है वो टूट जाएगा और जो बनना है वो बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पर जरा देखें ध्यान से, BR है ना बेटे, तो ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बनाएगा, बट इसका लोन पेयर और इसका जो प्लस चार्ज है एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है यहाँ पर एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये आपका पार्ट आएगा। जैसे ये पार्ट आएगा तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल ने बेटे यहाँ पर BR प्लस ने अटैक किया। नाउ अब क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल BR माइनस अटैक करेगा, तो कहाँ से करेगा बेटा, बैक साइड से, ऐसे कार्बन पे जो मोस्ट स्टेबल होगा कार्बन कैटायन बनेगा, तो ये वाला ऐसे यहाँ पर अटैक करेगा। सो BR माइनस है, सो ये आपका कुछ समझना बात को, ये बेटे क्या होगा फिर, ये कुछ आपका इस तरह से ब्रेक होगा, आपको इस तरह से ब्रेक कराना होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये खटाक से यहाँ पर अटैक कर जाएगा और आपका क्या बनेगा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH, और देखो यहाँ पर ऊपर में एक BR और एक BR आपका नीचे इधर आ जाता है, देखिए। तो बेसिकली क्या बन गया, CH3 CBR डबल बॉन्ड CHBR, देखिए, तो आपने शायद मैकेनिज्म भी समझ लिया होगा। अगेन जब इस पर फिर से BR2 आएगा तो बेटा आप इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, तो फिर से ये टूटेगा BR प्लस और BR माइनस में, समझ रहे हो ना बेटा, सेम मैकेनिज्म। आप चाहो तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा इसको, इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, देखिए CH3 C है ना, CH3 है ना यहाँ पर बेटा देखो, और BR है, CHBR है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इससे क्या मिलेगा आपको, BR प्लस और BR माइनस मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल BR प्लस अटैक करेगा, फिर से बेटा ट्रांजिस्टर में डायरेक्ट बना दूँ तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से BR प्लस आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा BR प्लस, समझ रहे बेटे बात, तो ये कुछ BR प्लस आ गया। अब चूंकि यहाँ पर साइक्लिक बन रहा है इसलिए आप इस पार्ट को ऊपर की तरफ दिखा सकते हो, है ना, ये देखो इस तरह से, या इसको आप चाहो तो अभी ऐसे लिख लो, बाद में एक साथ देख लेंगे, CBR यहाँ पर लिख लो, CHBR यहाँ पर लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा समझ पाना हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे बेटे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, ये बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ दोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और BR बैक साइड से यहाँ अटैक कर जाएगा, तो देखो इस कार्बन पर भी दो BR हो जाएंगे, उस कार्बन पर भी दो BR हो जाएंगे, और फाइनली आप देखो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो बेटे, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आ गया, अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। तो देखो CH3 CBR BR CHBR, सो 1.1 2.2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका रेडिश ऑरेंज कलर था जब इसके साथ रिएक्ट किया
तो बेटा ये देखो इसमें कंज्यूम हो गया, BR यहाँ पे ऐड हो गया, BR2 खत्म हो गया, तो क्या करेगा ये डिकलराइज हो जाएगा, है ना। सो ये जो इसका क्या है रेडियस ऑरेंज कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिकलराइज, सो दिस इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो इससे हम इसका यानी कि अगर कलर डिकलराइज हो जा रहा है, कहने का मतलब आपके पास एक सोल्यूशन था बेटे यहाँ पर जहाँ पर अल्काइन था आपके पास, और आपने यहाँ पर क्या डाला, BR2 डाला CCl4 में, जो कि कैसा था, रेडिस ब्राउन था, रेडिस ब्राउन कलर था, ठीक है। और आपको फाइनल जो सोल्यूशन मिला वो आपका कैसा मिला, रेडिस ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि अनसेचुरेशन था इस कंपाउंड के अंदर जो कि गायब हो गया, सो दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, क्लियर। तो यही सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखो ये उठाइए एक। अब सिंपल कैसे बनाओगे, देखो एक बॉन्ड को तोड़ो, एक BR इधर लगाओ, एक BR इधर लगाओ, फिर इस बॉन्ड को तोड़ो, एक BR तोड़ दिया, एक BR इधर लगा दो, इधर लगा दो, हो गया कहानी क्लियर। एंटी एडिशन देखो अभी प्रॉपर मैकेनिज्म बेटा आपको बताया अभी मैंने इस तरह से, देखिए आपके सामने है। चलिए अब जैसे कि देखो ये CH3C CCH2 है, एक बॉन्ड को तोड़ा, एक सील इधर लग गया, एक सील एंटी एडिशन हो गया बेटे। तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में 1 इक्विवेलेंट लेते हो तो सिर्फ ये हो जाएगा, BR2 का कराया तो एक बॉन्ड तोड़ा, एक BR देखो एंटी पोजिशन पर लग जाएंगे दोनों, है ना, 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो, राइट। अब यहाँ पर अल्काइन भी है और अल्कीन भी है, और कोई भी बीच में इनके बीच में कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है। तो आपको पता ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए बेटा अल्कीन इज मोर रिएक्टिव, तो ये वाला टूटेगा, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, 90% प्रोडक्ट ये बनेगा। ये सारी क्लियर कहानी आपके सामने है, व्हाई अल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हालांकि मैंने आपको बोला था आप रीजन पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी समझा चुका, आप यहाँ भी समझ लो। तो चलो इलेक्ट्रो तो एक काम करते हैं, अल्काइन और अल्कीन में दोनों में हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब हम इसमें अटैक कराएंगे तो कैसे, थोड़ा हमने सब कुछ यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, है ना, या फिर सीधे हमने यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाया, साइक्लिक आयन बन गया, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस आ गया, यहाँ पर एक्स प्लस आ गया, ठीक है, बात को समझिएगा बेटे बात को। तो हमने इसको ऐसे तोड़ा, जब इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर प्लस आया, और प्लस आया तो यहाँ पर एक्स माइनस अटैक कर गया, या आगे प्रोडक्ट बन जाएगा, या फिर आप इसका जस्ट आप ये देखो कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो आपका यहाँ पर देखो प्लस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बच गया, जो प्लस बच गया वहाँ पर आपको SP हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, विनाइल कैटायन मिल रहा है SP, समझिए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि इसकी अगर आप बात करो उसके से थोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे प्लस तो यहाँ SP2 मिलेगा, एंड दिस अल्काइल कैटायन एंड दिस SP2, तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव इज लेस स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, सो दिस इज मोर स्टेबल, तो यहाँ से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फास्टर होगा, तो अल्किन ज़्यादा रिएक्टिव होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्काइन। कहानी यहाँ तक क्लियर है, बस फटाफट आप देख लो जरा सा, देखो ये सिंपल X2C रिएक्शन कराया तो एक एक एक्स ऐड हुआ, फिर दोनों हो गए। Cl2C रिएक्शन कराया, देखो अब देखो यहाँ पर ए डाई हेलो अल्किन इज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, डाई हेलो जो है इंटरमीडिएट होता है, देखो डाई हेलो पहले इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद फिर आपका टेट्रा बनता है। इट इज ऑफन पॉसिबल टू प्रिपेयर डाई हेलो अल्किन्स बाय एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हेलोजन, कहा था ना लिमिटेड अमाउंट में, तो आपने 1 मोल अगर डाला एट लो टेम्परेचर, तो अल्काइन में अगर आप 1 मोल Cl2 डाल दो लो टेम्परेचर पे, सो दिस एडिशन ऑफ हेलोजन एंड अल्काइन इज प्रोटेम्पल एंड एंडिडेशन, तो आपको पता ही है, तो Cl लग जाएगा एंटी पोजिशन पे। अब देखो लो टेम्परेचर पे है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ पर सिंपल, और 1 इक्विवेलेंट है, 1 मोल है, तो बेटा यहाँ पर देखो एंटीडेशन हो जाएगा। तो मैकेनिज्म से क्या ना बेटा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर, अभी देखो ये बता ही चुका था, अभी इन दोनों में कौन रिएक्ट करेगा, ये वाले रिएक्ट करेगा, लो टेम्परेचर पे 1 इक्विवेलेंट है, 1 मोल है, तो यहाँ BR लग जाएगा बिकॉज अल्किन इज मोर रिएक्टिव। तो ये सारी कहानी यहाँ पर आपके सामने है बेटे, पूरी की पूरी कहानी आपके सामने है, राइट। अब मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो कि भाई BR है, BR2 था आपके पास, BR2 था, इसको इसने तोड़ा किसमें, अभी समझाया था प्रॉपर मैकेनिज्म आपको अभी दिखाया ही था बेटे, यहाँ पे BR2 था, BR इसको पोलराइज करेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, अल्टीमेटली टूट जाएगा BR+ और BR- में। तो यहाँ पर आपका BR+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर BR- एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इस तरह से पूरा प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे, और आपको ये सारी प्रोसेस और मैकेनिज्म मैंने आपको अभी डिटेल में समझाई, कैसे कैसे ट्रांजिशन बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ आपके सामने रखा बेटे। बोलो तो ये बेटा हेलोजिनेशन वाला पार्ट अल्काइन में कैसे क्या हुआ, ये बात तगड़े से आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ। मुझे लगता है कि मुझे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि आई कि नहीं आई, आपको 100% ये बात समझ में आ गई। तो हमने OMDM किया बेटे, हेलोजिनेशन की बात की, नाउ अब बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। अल्किन की बात कर चुके हैं, अल्काइन की बात करेंगे। तो बेटा देखो
यहाँ पर HBO की बात भी करेंगे और HBr की बात भी करेंगे, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात भी करेंगे और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर HBO एंड HBr और फल्काइन की बात करेंगे, है ना। अल्किन के केस में हमने वहाँ पर भी HBO और HBr देखा था, अब अल्काइन में भी हम लोग HBO और HBr देखेंगे कि अल्काइन किस तरह से HBO और HBr देता है बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये सेगमेंट भी बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है और इसको भी बहुत तगड़े से बहुत बढ़िया तरीके से समझना, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, मस्त और ज़बरदस्त मजा आपको आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे रिएक्शन होता है, क्या नहीं होता है और क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटे, देखिए तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, तो हम होगा क्या बेटे इसमें, ये आपके सामने अल्काइन है, आपने B2H6THF लिया और H2O2OH- लिया और देखना कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है और क्या उसका तरीका होगा प्रोडक्ट बनने का, क्या उसका तरीका होगा प्रोडक्ट बनने का। अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा बोरन की, तो BH3 होता है, इसके टू मॉलिक्यूल्स B2H6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अनस्टेबल होता है क्यों, क्योंकि BH3 जो होता है ना बेटे, इसके पास वैकेंट और वाइटल होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, तो क्या करता है डायमर फॉर्म बना लेता है, B2H6 फॉर्म में रहता है। बट अगर हमें BH3 यूज़ करना है तो उसके लिए बेटा हमें एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा जो BH3 को स्टेबलाइज करे, B2H6 में कन्वर्ट ना होने दे। तो अगर हम BH3 के साथ THF ले लें, BH3 के साथ, इसको आप BH2H6 या इसको आप BH3 लिख लो, तो BH3 के साथ अगर हम THF ले लें तो बता दो इसके पास वैकेंट और वाइटल है और THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन जो है इसके पास यहाँ पर लोन पेयर है, तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। और जब इसका काम आएगा, BH3 का काम आएगा रिएक्शन के लिए, तो बॉन्ड टूट जाएगा, तुरंत BH3 वहाँ पर लग जाएगा और वो B2H6 के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। चलिए तो ये बात समझ में आती है। अब इसमें होता क्या बेटा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइन B2H6 THF के साथ रिएक्ट करके बेटे ट्राई विनाइल बोरेन बनाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस बी ट्राई विनाइल बोरेन बनाता है। फिर ये जो ट्राई विनाइल बोरेन है बेटे आपका, ये H2O2 और OH- के प्रेजेंस में, समझिएगा यहाँ पर है ना, इसका एक मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पर आपका OH लग जाता है, यहाँ पर OH लग जाता है, यहाँ से H2O2 से यहाँ पर OH लग जाता है, तो देखिए यहाँ पर OH आ गया, राइट। अब आप देख सकते हो बेटा कि ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन आया। तो ये जो हाइड्रोजन, ये आपको दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन, समझिएगा ये वाला जो अभी आपको मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले बिल्कुल, ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है दिस विल बी फ्रॉम B2H6, कैसे आएगा भी आपको दिखाएंगे, दिस विल फ्रॉम B2H6, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज फ्रॉम B2H6, देखो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, दिस हाइड्रोजन फ्रॉम B2H6 या BH3, और ये जो OH आपको दिख रहा है इस डेवलपमेंट में, दिस इज फ्रॉम व्हाट, H2O2, कहाँ से मिलेगा आपको ये H2O2 से मिलेगा। अब फिर से बेटे आप इसको देख के समझ रहे होगे कि यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा, ये इनोल फॉर्म है कीटो, देखो आप क्या करोगे 1 2 3, तो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में ले आओगे, देखिए 2 1 में आ गया, देखो 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया देखिए, और इसका हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, तो देखिए 1 से 3 में, तो आपका CH से CH2 हो गया और इनोल से कीटो बन गया। तो ये मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि किस तरह से है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और किस तरह से यहाँ से देखो आपका अल्काइन आपका कीटो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अल्काइन किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो कीटो ग्रुप बोलेंगे या फिर इसको, या चूंकि एल्डिहाइड है इसलिए हम इसको एल्डिहाइड है, तो इनोल कीटो टाटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। क्लियर, बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो सिंपल एक लाइन में फिर से बोलूंगा कि 3 मॉलिक्यूल्स B2H6 के साथ रिएक्ट करके बेटा ट्राई विनाइल बोरेन बनाएंगे, ये जो ट्राई विनाइल बोरेन है H2O2OH- के साथ यहाँ पर OH लग जाएगा और देखो ये इनोल फॉर्म बनाएगा, इनोल टोटोमेराइज होकर कीटो फॉर्म में जाएगा और यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना लेगा। BH3 अनस्टेबल होता है इसलिए वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम BH3 के साथ THF डाल दें तो बेटा BH3 के फॉर्म में ही रहेगा और फिर हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर रिएक्शंस में। अब जब BH3 की बात करते हैं तो देखो बेटा अगर BH3 इसके पास आएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि BH3 सपोज इसके पास आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, BH3 को आप ऐसे समझें कुछ तरह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड करके इसके बॉन्ड पेयर्स को बेटा क्या करेगा, रिपल कराएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बॉन्ड पेयर को रिपल कराएगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इसी को अगर हम चाहें तो एक हाइड्रोजन को अगर दिखाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, BH2 है और इसके साथ H है, और बी पर देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और H पर देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वही मैंने यहाँ पर कुछ तरह से लिखा हुआ है। देखिए आगे कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, देखिए प्रॉपर तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ। ये रहा आपके सामने अल्काइन, अपन ये देखते हैं कि ट्राई विनाइल बोरेन कैसे बना। भाई हमने आपको भी प्रोसेस दिखाया था,
इसके रिएक्शन करोगे तो ट्राइबिनाइल बोरिन बनेगा, फिर यहाँ से आप यहाँ पहुँचोगे। तो पहले यहाँ से जो पहला स्टेप है ये कैसे बना है ना, इसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, जरा देखिएगा। तो ये था बेटा पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, B2S6 THF है, और आपको पता है कि BH3 है, BH3 इसके साथ है, तो BH3 इसके पास आएगा बेटे, यहीं पर लिख दूँ अगर मैं इस तरह से, तो बी एच एच और एच इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो H BH2, और B पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, वही मैंने यहाँ पर लिखा। अब जरा समझिएगा, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। तो देखिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पर गया, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर। अब चूँकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव तो बॉन्ड, समझिएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव है बेटे और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा, है ना, बॉन्ड देखो, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर समझिए, तो अब क्या होगा बेटा कि इनके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, कार्बन पेंटाबलिन तो हो नहीं सकता, इसलिए बॉन्ड टूटने लगेगा। यहाँ माइनस है और यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। हाइड्रोजन डाइबलोन तो हो नहीं सकता, इसलिए बॉन्ड टूटने लगेगा। तो जो टूट सकता है वो टूट जाएगा, जो बन सकता है वो बन जाएगा। तो कौन कौन सा टूट रहा है जरा देख लो, ये टूट रहा है और ये टूट रहा है, तोड़ दो, तो ये डबल हो गया देखिए। और यहाँ पर क्या बच गया, देखो एच बच गया, देखिए एच, और यहाँ पर आ गया H2। अब बताओ बेटा, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन था उसके पास एक हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, और वो कहाँ से आया, आपका BH3 से आया, वही मैं आपको समझा रहा था वहाँ पे, और ये BH2 आ गया। सो BH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और बेटा देखो यहाँ पे BH2, तो BH2 मैंने ऐसे लिख लिया, एट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम B2S6 या BH3, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से आएगा। अब सुन लिया, अब दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, अब देखो वैसे चलो, अब देखो यहाँ पर भी है, तो बेटा फिर से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, एच पर देखो नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव था, तो फिर से इसको अभी दो हाइड्रोजन और इसके पास हैं, तो फिर से एल्काइन के पास जाएगा, राइट। अब इसका इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव में जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के पास जाएगा, तो एच इसके पास जाएगा, देखो बी यहाँ पर जाएगा, तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हो बेटे। तो सेम प्रोसेस कि भाई ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड प्लस माइनस के बीच में बनने लगेगा, ये बॉन्ड बनने लगेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा। आप देखो यहाँ से ये बेटा क्या हो गया, बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, क्या बच रहा है ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या यहाँ पर बेटा CH3C, और बेटा यहाँ पर मैं H लिख दूँ CH, और देखो आगे CH, ये CH है देखो, यहाँ पर CH, और फिर इसके साथ क्या लगा है देखो, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटे आपके पास, फिर देखो B है और यहाँ पर H है, देखो इस B के पास H है, और यहाँ पर क्या जरा देखिए CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर आप देखो बेटा ये और ये होल ट्वाइस नहीं हो गया, सो बी CH CH होल ट्वाइस H, देखिए जरा सा इसका होल ट्वाइस और H हो गया। अब एक हाइड्रोजन और है, समझो बात को, इसका मतलब क्या होगा, फिर से इसके पास जाएगा, फिर से बेटा इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव के पास, नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास यहाँ गया, और फिर से यहाँ पर ये बॉन्ड मेकिंग और यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, सेम प्रोसेस जाएगा बेटे। अब जो टूटना है वो टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा, तो देखिए बेटा फिर से यहाँ पर, तो होल देखो होल ट्वाइस तो था ही था, अब जरा देख लो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एक और आया, और यहाँ पर होल ट्वाइस था, तो होल थ्राइस हो जाएगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबिनाइल बोरिन। लो बेटे दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबिनाइल बोरिन। मुझे लगता है आपको ये बात तक से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई बेटे, ट्राइबिनाइल यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3 के साथ जो हाइड्रोजन लगा, दिस इज फ्रॉम व्हाट, BH3 और B2S6। अब जब इसका H2O2H- कराओगे, तो यहाँ पर वाला जो हाइड्रोजन है बेटा वो तो आपको B2S6 मिलेगा, देखो ये वाला, और यहाँ पर ये ब्रेक होकर यहाँ पर OH आएगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको एडिशन रिएक्शन बहुत डिटेल में कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते हैं, बट OH कैसे ऐड होता है मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अभी आप डायरेक्ट समझो तो OH यहाँ पर ऐड होगा इस वाले के पास, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये H जो है समझ लो, बार बार बोल चुका हूँ, दिस H फ्रॉम BH3 एंड दिस इज OH फ्रॉम H2O2। नाउ इन ऑल फॉर्म 1, 2, 3, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए यहाँ चला गया, तो CH से CH2 हो जाएगा, हो गया डबल बॉन्ड, 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, सो इन ऑल से कीटो बन गया। बताओ बेटा पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं आई। सो इस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोलो बेटे एकदम मजा आया कि नहीं आया, जबरदस्त तरीके से बेटे। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, एक लाइन में आप समझ सकते हो फिर से कि आपके सामने देखो ये अल्काइन था बेटे, आपने B2O6 THF के H2O2H माइनस किया, तो देखो यहाँ पर 4 सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, सामने से हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सीन एडिशन होगा, हमेशा क्या होगा, सीन एडिशन होगा। तो पहले देखो एक मॉलिक्यूल आएगा, फिर इसके दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिर तीन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सो ट्राई अल्केनिल बोरिन बोल सकते हो, या फिर इसको ट्राइबिनाइल बोरिन बोल सकते हो। फिर जैसे इसका H2O2H माइनस कराओगे तो बेटा यहाँ पर OH लग जाएगा, देखिए OH, उसके बाद फिर इसका टॉटोमराइज करा दोगे, देखो ये तो आपका कीटो कंपाउंड बन जाएगा। बोलो बेटे कहानी क्लियर है अच्छे से, तो ये था प्रॉपर डिटेल में इसका मैकेनिज्म। अब इसकी ट्रिक्स विक्स सब देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब क्या डायरेक्ट बनाया जाए,
अब इसको डायरेक्ट बनाया जाए, प्रॉपर मैकेनिज्म आप समझ रहे हो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही रही बेटे, तो अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए पानी पीते। अब देखिए करना क्या है, इसको यहाँ से तोड़ा, यहाँ एक हाइड्रोजन दिया, दैट इज फ्रॉम दिस वन, ये मिला, यहाँ पर OH देंगे अब, चूंकि D2O2 तो OD आएगा यहाँ पे, तो यहाँ OD आ गया, ठीक है। तुरंत आप इसको क्या करो, टैटोमराइज कराओगे, ठीक है, 1, 2, 3, तो D1 से 3 में चला जाएगा और डबल बॉन्ड 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा और देखिए यहाँ पर CH और D हो जाएगा, आ गया देखिए। अच्छा चूंकि बेटा यहाँ पर ड्यूटेरियम है और आप ज़रा देखो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो कार्बन होता है, दैट इज अल्फा कार्बन, इसे अटैच हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम इज अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा ड्यूटेरियम, ये जो होता है आपका एक्टिव होता है हाइड्रोजन, इजिली रिप्लेसेबल होता है, तो कभी भी ड्यूटेरियम के साथ होगा, सो ड्यूटेरियम इसको क्या करता है, रिप्लेसेस ऑल हाइड्रोजन, रिप्लेसेस ऑल हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो टोटोमेरिज्म में ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो जितने एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन होंगे ड्यूटेरियम उन सबको हटा देगा, सबको रिप्लेस करके डी आ जाएगा वहाँ। जरा देखो तो बेटा देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, इसे अटैच ये वाला सी अल्फा कार्बन है और उससे अटैच ये हाइड्रोजन है, देखो तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम इसको रिप्लेस कर देगा, तो देखिए एक ड्यूटेरियम यहाँ पे और आ जाएगा, यही एक्टिव हाइड्रोजन था। सो ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है ये आपके सामने, एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन, तो देखिए डायरेक्टली हमने बनाया था ये, फिर जो एसिडिक हाइड्रोजन उसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। बोलो बेटा कहानी क्लियर है क्या, बात समझ में आती है क्या? अब एक चीज़ यहाँ पर और समझना, देखो क्या गौर फरमाइएगा बेटे, गौर फरमाइएगा, ठीक है गौर फरमाइएगा। देखिए क्या, जब इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं बेस्टिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्राइविनाइल बोरिन बनता है, उसके बाद फिर आप H2O माइनस करते हो और बेटा आपको इनॉल मिलता है, इनॉल से कीटो मिल जाता है। दिस ट्राइविनाइल बोरिन इज वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है, कोई बात नहीं, बट इस साथ एक दिक्कत क्या होता है, बट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये इसको प्योरली बहुत अच्छे तरीके से हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो BH3 जो मॉलिक्यूल होता है, देखो यहाँ तक आपने ट्राई विनाइल बोरेन बनाया, ये BH3 के साथ रिएक्ट करके बेटा आपका ये जेम डाई बोरेन बना लेता है और जेम डाई बोराइल अल्केन बना लेता है, कुछ इस तरह से ये कंपाउंड बना लेता है। और जब इसने जेम डाई बोराइन या जेम डाई बोराइल अल्केन बना लिया या जेम डाई बोरेन बना लिया बेटे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए जब आप इसका H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, सुनना, OH माइनस के साथ रिएक्शन करते, तो आपको तो ट्राइविनाइल बोरेन ही चाहिए, है ना, यहीं पर OH लगता था टूट के और ये वाला H यहाँ पर रहता था और आगे आप इनॉल से कीटो बनाते थे। लेकिन अगर यही वाला पार्ट न रह जाए और यही खत्म हो जाए, मतलब ये कन्वर्ट हो गया, देखिए इसमें जेम डाई बोराइल अल्केन या फिर जेम डाई बोरेन में कन्वर्ट हो गया, तो बेटा फिर आप आगे फर्दर इनॉल से कीटो नहीं बना पाओगे आप, बट एक्चुअली में जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो आप प्रोडक्ट आप नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आइसोलेट नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी इल्ड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दिस ट्राइविनॉल बोरेन इज कन्वर्टेड टू, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ BH3 दिस ट्राइविनाइल बोरेन इज कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड। देखो RCHCH2B और साथ यहाँ पर इस वाले पार्ट को होल्ड ट्वाइस, है ना, देखो होल्ड ट्वाइस करके ऐसे शो कर दिया गया, मतलब यहाँ पर क्या है आपका ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाले ग्रुप को ऐसे लाइन से शो कर दिया गया, बात समझ रहे हो, कुछ इस तरह से। सो दिस ट्राइविनाइल बोरेन इज वेरी यूजफुल बट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड बिकॉज इट स्टिल हैज पाई बॉन्ड, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड है एंड रिएक्ट्स फर्दर विद BH3 के साथ रिएक्ट कर जाता है टू गिव जेम डाई बोरेन और जेम डाई बोराइल अल्केन दे देता है, ये बना देता है, बिकॉज दिस, है ना, बिकॉज ऑफ दिस इट, है ना, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक विनाइल बोरेन, तो विनाइल बोरेन ट्राइविनाइल बोरेन से कन्वर्ट ही हो जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, तो बेटा इस तरह से इसको उतने अच्छे से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर इसके हम इसके अमाउंट को देखें कि लिमिटेड है क्या है क्या नहीं है, तो उतना अच्छा यील्ड नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए हमें एक अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए होगा कि भाई हमको अगर इनॉल और कीटो फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए देखिए आगे बात करते हैं। सो दस विनाइल बोरेन आर प्रिपेयर्ड बाय सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट, तो इसके लिए हमें सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट चाहिए, जैसे हमने अभी BH3 THF लिया था। अच्छा अल्किन में कोई दिक्कत नहीं था, अल्किन जब आप डबल बॉन्ड वाला ले रहे थे तो अल्टीमेटली वो खुद ही सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है एक पाई बॉन्ड, लेकिन अल्काइन में क्या दिक्कत है कि डबल बॉन्ड से तोड़े तो आपको जो विनाइल बोरेन बना उसे डबल बॉन्ड था अनसेचुरेशन था, तो बेटा वो आपका जेम डाई बोरेन में कन्वर्ट हो गया, विनाइल बोरेन नहीं रहा, तो हमें एक ऐसा चाहिए एजेंट जो इसको यहीं पर रोक दे। सो दस विनाइल बोरेन आर प्रिपेयर्ड बाय सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट नोन एज डाइसमाइल बोरेन SiA2BH, है ना, और ये स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, डाई अल्काइल बोरेन रिएक्ट विद अल्काइन टू गिव ओनली विनाइल बोरेन, तो ये जो है आपका, बात समझ रहे हो,
इसके प्रेजेंस में हम डाई विनाइल बोरेन की बात कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है बेटे, सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। तो इसका यूज़ करेंगे तो हमें यील्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा और प्रोडक्ट भी बहुत हम तगड़े से बना पाएंगे। इसका बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म इसका भी है बेटे, है ना। यहाँ पर भी कोई अच्छा, इसके पहले जो हमने बात किया फोर सिलेंडर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आया था, तो कोई भी एक्चुअल में कार्ब कैटायन डेवलप नहीं हुआ था, पार्शियल डेवलप कार्ब कैटायन था वहाँ पर, तो कोई रिएजमेंट वहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं होगा। सो नो रिएजमेंट, सामने से होगा, सिनेडिशन होगा, फोर सिलेंडर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो यहाँ पर भी वही है, आपका क्या था SiA2BH था, तो यहाँ पर वही पी पर माइनस, एच पर माइनस और बी पर प्लस। तो देखिए सेम मैकेनिज्म, तो यहाँ से देखो ये आपका बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बनने लगेगा, ये टूटने लगेगा, तो यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर एच आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर BSiA2 आ गया। अब इसका मतलब ये भी बताते हैं, अब ये जो बन गया, अब इसके आगे चूंकि बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकली हिंडर्ड होता है, तो बेटा फिर अगेन यहाँ पर अटैक नहीं हो पाता है और ये यहीं पर रुक जाता है। जबकि जब BSD का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे जो ट्राई विनाइल बोरेन बना था, तो उसके बाद फिर जो विनाइल बोरेन आपकी बात बना रहे थे, तो बेटा वो जो है विनाइल बोरेन के पास पाई बॉन्ड था, तो अगेन जेम डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जा रहा था, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी बल्कि बल्कि ग्रुप्स होते हैं, फर्दर यहाँ पर अटैक नहीं हो पाएगा। अब इसका यूज़ क्या होगा वो समझते हैं यूज। तो ये देखिए था SiA2BH कराया आपने, तो बहुत सिंपल है, इसको तोड़ा डायरेक्ट, देखो इसका हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिया जैसे आप BSD का दे रहे थे, और यहाँ पर आपने SiA2 लगा लिया, तो BSi ये देखिए BSiA2 हो गया। ये H2O2 माइनस कराया सिंपल, इसको हटाओ यहाँ पर OH लगाओ। अब बताओ बेटा ये इनॉल हो गया, अब आपको सब पता ही है 1 2 3 सीधे कीटो बनाए यहाँ से, देखिए जरा सा टाटोमराइज करके 1 2 3। तो अब इसको भी 1 2 3 करते हैं, देखिए जरा सा 1 2 3 देखिएगा। अब जरा देखिए बेटे इसका जो H है 1 से 3 में चला जाएगा, तो देखिए 1 से 3 में यहाँ पे देखिए CH था CH2 हो गया, देखिए यहाँ पर R था RCH था CH2 हो गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो गया, तो देखिए C डबल बॉन्ड OH हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। आ रही बेटे बात समझ में, बेटे बात समझ में आ रही है, तो कुछ इस तरह से टाटोमराइज हुआ है ना। तो आप ये देख सकते हैं, फिर डायरेक्टली आपको मैंने ये बता रखा है। अब इसका ट्रिक क्या होगा, तरीका क्या होगा बेटा, समझ गए ना कि हम लोग जो सिमाइल की बात कर रहे थे क्यों कर रहे थे, तो वो रीजन भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की बेटे। एड ऑक्सीजन ऑन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एंड 2H ऑन अदर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें भी हम वही करेंगे कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वहाँ पर हम एक ऑक्सीजन लगाएंगे, और जो दूसरा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वहाँ पर दो हाइड्रोजन लगाएंगे और हम प्रोडक्ट बनाएंगे। समझिएगा, सिमेट्रिकल और टर्मिनल है तो ओनली 1 कीटोन बनेगा, जैसे कि हम अभी OMDM में बात कर रहे थे। और अगर टर्मिनल है सो ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड, हमेशा एल्डिहाइड देगा। एड ऑक्सीजन ऑन दैट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वेयर मोर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, वेयर मोर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जहां पर लेस हाइड्रोजन था, यहां पर कहां पर, जहां पर मोर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इस बात को समझिएगा, है ना, समझाते हैं एग्जांपल से, देखिए अभी आप तुरंत समझ जाओगे, जरा देखिएगा ध्यान से। ये आपकी टर्मिनल एल्काइन है, देखिए अभी मैंने बोला था ये आपका टर्मिनल है, तो टर्मिनल एल्काइन है ना, एल्काइन ठीक है, तो एल्डिहाइड हमेशा देगा। एड ऑक्सीजन ऑन दैट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वेयर मोर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देखिएगा कहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो है टर्मिनल है, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, इसको दोनों को तोड़ा और यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगा दिया, तो CH3CH2CH2 ये देखिए। लेकिन अगर टर्मिनल नहीं है तो बेटा ये दोनों देखिए जैसे हैं, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल तो आप जैसे इधर लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात हो जाती है, कहीं भी लगाओ, अगर इधर लगाया आपने तो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, इधर लगाओगे तभी वही बन जाएगा। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो भैया दो पॉसिबिलिटी बना लो, वही ए और बी जैसे वहाँ पे कर रहे थे, तो देखो एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ दो हाइड्रोजन दे दो, या फिर एक तरफ दो हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन दे दो, दो प्रोडक्ट बना लो, पहले ए वाला बना लो, इसको तोड़ा यहाँ डबल बॉन्ड ले आए और यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दिया, इसको तोड़ा यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दिया, तो CH3CH2CH2 हो जाएगा, देखो CH3CH2CH2 हो जाएगा, इसके आगे वाले में सी डबल बॉन्ड ओ CH3 हो जाएगा, ये देखिए। सो इस तरह से आपका बन जाएगा, क्लियर बेटे बात, बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, कहानी समझ में आई क्या बेटे, कहानी समझ में आई क्या। एसिडिफिकेशन विथ ऑर्गेनिक एसिड्स गिव्स अल्किन सिस अल्किन, क्योंकि भैया सीन एडिशन हो रहा था तो अल्किन सीसी बनेगी। इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल, है ना, तो सिस बनेगा अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा बिकॉज सीन एडिशन टेक्स प्लेस। जरा देखिए कैसे, ये आपने किया तो यहाँ से एक एच आएगा और यहाँ पर आपका BSiA2 होगा, ये होगा। अब एसिड है तो एसिड से आपको एच प्लस मिलेगा, तो यहाँ से हटेगा और यहाँ पर एच आ जाएगा,
बेसिकली इसको हम एच बी आर बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर देखो दो एच सेम साइड से आ जाएंगे बेटे, तो एक जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन टूटा, ये वाला यहाँ पे जो लगा, देखो बेटा ये आपको यहाँ से मिला, और ये वाला जो हाइड्रोजन मिला वो आपको एसिटिक एसिड से मिला। सिंपल, जैसे उसको तोड़े, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, उसको तोड़े, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया। तो सिस अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो आपका सिस ही बनेगा, है ना। इसको हम बोलते हैं एच बी आर, हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए उसको हम हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। अब ये सारी कहानी बेटे क्लियर है आपको अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ट्राइविनाइल बोरेन बना, चूंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, बी एस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो बेटा देखो आपका ये बना देगा, बताया था कि नहीं बताया था, जेम। तो अब चूंकि हमें यहीं से आगे प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको यहाँ तक स्टॉप करने के लिए हमें एक दूसरा सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग ऑर्जेन चाहिए हमको, डाइसिमल बोरेन, है ना, जिसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, सारी कहानी आपको बता चुके हैं। अब इसका आपके माइंड में आ रहा होगा इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या, वो भी देख लो आप। तो एस आई ए टू बी एच जो होता है ये आपका ये होता है, तो ये तो बी एच हो गया, जो एस आई ए है आपका ये है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, ये आपका एस आई ए ग्रुप है, और देखो होल्ड राइस है, तो आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लो। बाकी आपको पता है कि इसको तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसे यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर बी एस आई ए टू आ जाएगा सीन एडिशन, इसके यहाँ से तोड़ेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर ये आ जाएगा, देखिए सीन एडिशन सामने से होगा, फोर सेंट्रल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब आपको पता है बेटे आपको, इस टू टू एच माइनस कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे ओच आ जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और आप डायरेक्ट आप यहाँ से देखो, आपने एस आई ए टू बी एच लिया, एस टू टू एच माइनस लिया, तो इसको तोड़ा, देखो एक एक बना के दिखा दूँ, इसको आपने तोड़ा तो देखिए क्या हुआ, आर सी, और यहाँ से एक एच आ गया, ये डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पर आपका बी एस आई ए टू आ गया। इसका रिएक्शन आप एस टू ओ टू ओ एच माइनस से कराओगे तो ये हटेगा यहाँ से, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, सो आर है ना डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, वन टू थ्री करोगे, टाटोमराइज कराओगे इसको, तो देखो बेटा क्या होगा, आर सी, हाइड्रोजन वन से थ्री में चला जाएगा तो ये सी एच टू हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये वाला इधर चला जाएगा तो ये सी एच, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, देखिए तो आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या? तो कुछ इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो बी एस टी टी एच एफ ले रहे थे वहाँ पर, जब हम अल्किन की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप एस आई ए टू बी एच एच टू टू एच माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो सब भी आप समझ चुके हो, वो सब भी आप समझ चुके हो, ये सारे रूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जरा देखो यहाँ पर बेटे, टर्मिनल है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दिया, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है परमाणु कार्बन के पास, यहाँ पर हाइड्रोजन टू एच दिया, अब देखो सी एस थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड, सिमेट्रिकल है कैसे भी बना लो, राइट। इसको देखो, आ जाओ देखो ये पूरा प्रॉपर, तो जब हमने इसका बात की तो सिंपल वही है कि भाई ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर दो, एक ऑक्सीजन पहले, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, फिर हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर, दो प्रोडक्ट आप बना लो आपके सामने, ठीक है। एंड विनाइल बोरिन ऑन एसिडिफिकेशन विथ ऑर्गेनिक एसिड्स, अभी मैंने बताया कि अगर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो सिस एल्किन बनेगा, ये भी आपको बता चुका हूँ अभी ऑलरेडी, ये भी आप जान रहे हो। चलिए तो और अच्छे से बढ़िया से तरीके से बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्काइन। तो बेटा देखो जनरली क्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बी टू एस सिक्स टी एच एफ या बी एस टी टी एच एफ से अल्काइन का नहीं होगा, होगा, प्रोडक्ट बनेगा पर उसका उतना यील्ड नहीं होगा। तो कहीं कहीं बहुत सारे क्वेश्चन से बी एस टी टी एच एफ ही अल्काइन के साथ लिखा होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रोडक्ट आपको वही बनाना है। बट एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल अगर सेटअप में बात करें तो हम डाइसिमल बोरेन यूज करते हैं, सो दैट कि हमें प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा मिल पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बी एस टी टी एच एफ से नहीं बनाएंगे, वो भी लिखा हो सकता है एज रिएजेंट, तो आप समझ लेना कि वही सेम प्रोडक्ट हम वैसे ही बनाने वाले हैं, कुछ अलग से काम नहीं करने वाले हैं। बट चूंकि डिफरेंस देखना था कौन सा प्रोसेस हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है, वो हमें समझना था, इसलिए बेटा मैंने आपको सारी कहानी समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि आपने वहाँ तक बात समझ ली। एच बी आर भी आप देख लें क्या है, देखिए अभी बताया था भाई देखो बी टू एस सिक्स टी एच एफ, अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे क्या, और एस आई ए टू बी एच, और ये ऐसे करके, है ना, तो दोनों ले सकते हैं। इसका सिंपल से क्या बैठा, एक टूटेगा ये, देखो यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आपका है ना, अगर आप इसको ऐसे देखो, दोनों चीज़ें समझाता हूँ, सी एच थ्री सी, और यहाँ पर एच आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री, यहाँ पर आपका है ना बी एच टू होगा, या फिर आपका यहाँ पर बी एस आई टू ए होगा, एस आई ए टू होगा,
इसके बाद जब आप एसिड से कराओगे तो बेटा ये वाला पार्ट यहाँ से हटेगा और यहाँ पर इस एसिड से H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये, सो ये जो H आया दिस इज फ्रॉम B2A6 और SiA2BH एंड दिस इज फ्रॉम एसिड, तो सिस फॉर्म बनेगा, यहाँ पर ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि सिस एडिशन होता है। कहानी क्लियर है बेटे आपका? तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पर। तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो B2A6 THF ले लो और H3O प्लस एसिड ले लो, या फिर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो बेटे, BH, ठीक है। तो देखो ये लिया, यहाँ पे एक H दे दो और एक H यहाँ पे दे दो, सिंपल सिस बनाओ आप। HBr क्या, एक H यहाँ पे दे दो, एक H यहाँ पे दे दो, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। HBr इज हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। देखो ये थोड़ा यहाँ पे H दिया, यहाँ पे H दिया, सिस बनाया, ओनली सिस, ठीक है। देखिए आपके सामने बैठे, कहानी क्लियर हो गया। तो HBr भी समझ में आ गया। तो देखो सारी चीज़ें बेटा आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रोसेस को बहुत तगड़े से समझ सकते हो। अब बात आप कर सकते हो एडिशन ऑफ H2X, एडिशन ऑफ H2X बहुत मतलब बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं बेटा, मतलब बस 2 सेकंड की बात है, चुटकी चाल चुटकी वाली बात है। जरा देखो फटाफट देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका स्टिपल बॉन्ड है और ये बेटा H2X है, सिंपल एकदम मस्त। और बस हमें यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो अल्फा, देखो इसके रिस्पेक्ट में बेटा देखो ये है ना, अगर ये हैलोजन है, हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखो ये, देखो ये अल्फा, अल्फा पे कार्बोनिल लगा हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में देखो तो अल्फा पे हेलो है, सो अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल उसके रिस्पेक्ट में अल्फा, अल्फा पे हेलोजन लगा है, तो यहाँ पे ये अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है, बहुत सिंपल तरीका है बेटे, बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि भाई उसी तरह से बेटा जैसे हम पहले कर रहे थे, कैसे कर रहे थे बेटा बताओ मुझे। अगर आप यहाँ पर देखें एक सिंपल सा, तो यहाँ पर मार्कोनिकोज एडिशन हमें कराना है। क्या कराना है, मार्कोनिकोज एडिशन कराना है। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है कहाँ पर, जहाँ पर बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पास कम होता है। इसको ऐसे समझो कि जो HOX है बेटे O पर माइनस और X पर प्लस होगा। देखिएगा ध्यान से, अब मार्कोनिकोज कराना है या फिर जनरल आप रूल से ही बात करो तो ट्रिपल बॉन्डेड बॉन्ड कैसे तोड़ दे, माइनस या प्लस, तो बेटा बताओ अब जहाँ पर प्लस है इस OH माइनस को क्या हम यहाँ पर अटैक करा दें, देखिए, और इस X को हम यहाँ अटैक करा दें, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप क्या देखो R C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOX माइनस प्लस, अगर आप मार्कोनिकोज लगाना चाहते हो तो नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और एक्स आपका यहाँ चला जाएगा। तो देख लीजिए आप जना, देखिए तो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला गया और यहाँ डबल बॉन्ड बच जाएगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बच जाएगा और यहाँ पर देखो सी एच है, उसके साथ एक्स आ गया। देखिए अब क्या होगा जरा देखो, जब ये बना यहाँ पर समझाओ बेटे, देखिए आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका ओ एच आ गया और यहाँ पर क्या आपका सी एच एक्स है। अब बताओ अगर हम इसका, अब देखो ये इनॉल फॉर्म बना तो क्या हम इसको टॉटोमराइज करें बेटे, तो उसमें क्या होगा कि 1, 2, 3 फिर से करोगे तो H आपका 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2, 3 से 2, 1 में चला जाएगा। तो देखिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर H आया तो CH2X हो जाएगा। देखिए अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड से आपके सामने, सिंपल। ये इसका सिंपल तरीका क्या होगा बेटे, जहाँ पर ऐसा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है उसको ऑक्सीजन दे दो और दूसरे वाले ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को H और Cl दे दो, सिंपल डायरेक्ट। तो देखो C डबल बॉन्ड O और 2 डबल बॉन्ड तोड़ दो, उसको देखो CH2Cl हो गया, CH2Cl डायरेक्ट कर सकते हो, यू कैन यूज दिस वन डायरेक्टली। तो ये बात समझ में आती है, तो ऐसी रिएक्शन आए तो फटाफट आप तेजी से कर सकते हो। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड का एडिशन बेटे कैसे होगा ये बात भी आप समझ लो, बहुत सिंपल है। तो अगर हम इसमें इस पूरे में हमें एसिटिक एसिड का एडिशन कराना है तो कैसे कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ H2+, इन प्रेजेंस ऑफ H2+, बहुत सिंपल बेटे। अब यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम जस्ट कैसे देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। देखो कि भाई इसको ऐसे आपने तोड़ लिया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, एसिटिक एसिड इसमें माइनस यहाँ प्लस, सिंपल काम कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो जनाब आप, क्या कर सकते हो जनाब आप, जरा देख सकते हो कि कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस क्या क्या आने वाले हैं, सब कुछ बहुत आसानी से आप। तो यहाँ पर अगर आपका माइनस है तो बेटा यहाँ पर आप एच दे दो प्लस, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ पर इसको क्या दे दो माइनस, ऐसे तोड़ के इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे। चलो फिर भी देखते हैं क्या हुआ, तो इस R के साथ इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, इन्होंने ऐसे तोड़ के बनाया क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं इसको चलो आप चूंकि मैंने ऐसे तोड़ दिया तो मैं आपको ऐसे ही तोड़ के दिखाऊंगा। देखिए क्या होगा, तो R और इस बेटा C के पास क्या लग जाएगा, देखो OCOR-, एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बचा, इसके पास H आ जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। जरा देखिए आप, देख लीजिए आप, आर सी ओ
आर सी ओ, बाकी आगे बढ़े डबल बॉन्ड, फिर आगे देखो सी एच आर, ये देखिए आपके सामने। और फिर से अगर आप एक बार इसकी रिएक्शन करा दोगे आर डैश सी ओ एच से, तो ये प्लस और ये माइनस, बोलो ना बेटे, फिर से बने से टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ चला जाएगा बेटा, बताओ क्या बनेगा, आर सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यहाँ पर भी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और यहाँ पर अभी सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पर ये सी एच टू आर हो जाएगा। तो आर सी एच टू, आर सी एच टू, उसके बाद सी के पास देखो एक आर लगा है, बाकी दो जेम डाइएस्टर, ये एस्टर ग्रुप है, और एक कार्बन पे, तो सी जेम डाइएस्टर, दिस इज इनॉल एस्टर, तो क्या बोल, इनॉल एस्टर एंड दिस इज जेम डाइएस्टर, कुछ इस तरह से। तो बेटा बेटा ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो, तो इस तरह से आप एस्टिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। देन एडिशन ऑफ कार्बिन, बहुत सिंपल है भाई, कार्बिन का तो कहने जब आपको बहुत डिटेल में कहाँ कहाँ कितनी बार बहुत तगड़े से बता चुका हूँ बेटे आपको। सो अगर हम एडिशन ऑफ कार्बिन की बात करें तो कुछ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, है ना, आपने सी एच टू कार्बिन लिया, ठीक है, एक को तोड़ो और यहाँ पे बीच में सी एच टू लगा दो, देखिए ये सी एच टू आ गया, फिर एक और बचा इसको भी तोड़ लो, यहाँ पे सी एच टू लगा दो, ये लीजिए, ये देखिए डाइक्लोरोकार्बिन है, तो डाइक्लोरोकार्बिन है, देखो यहाँ से इसको तोड़ा और यहाँ पर देखिए लगा लिया, और एक इक्विवेलेंट और लोगे तो ऊपर भी रह सकता है, इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन सकता है, बोलो बेटे। इस तरह से एडिशन ऑफ कार्बिन मतलब सारी चीज़ें एकदम तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे देखो, है ना, प्रॉपर कितना बढ़िया और मस्त चीज़ें हम लोगों ने सेशन में सीखी और बहुत इन्जॉय किया बेटे, तो मुझे लगता है कि बहुत मजा आया होगा, एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत मुझे मजा आया और आपको भी बहुत मजा आया होगा बेटे। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक धमाकेदार सेशन में बेटे, टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।